अच्छा हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आपने लास्ट क्लास को रिवाइज किया होगा। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया, इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स रेट्स। आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पीजीबीपी, और आर्गुबली दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर इंटायर सी ए फाइनल टी टी सिलेबस। और आज की क्लास मिला के अगले 7-8 क्लासेस तक, अगले 7 to 8 क्लासेस तक हम पीजीबीपी की बात करेंगे। ठीक बात है। अच्छा एग्जाम की बात करें तो आपको पता है डियर, एग्जाम में सबसे ज्यादा पोर्शन जो मार्क्स जो जहाँ पे आता है जिसका, वो पीजीबीपी का ही होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ कितनी क्लासेस लगेंगी? 7 to 8 क्लासेस मैक्सिमम, 7 से लेकर 7.5 क्लासेस में ये फिनिश हो जाएगा। और फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर। पीजीबीपी हेड में जाने से पहले पीजीबीपी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है डियर, आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन सी? अच्छा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन और अदर सोर्सेस। अगर मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट एसोसिएशन की, कंपनी एसोसिएशन की, तो उनके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड कौन सा होता है? पीजीबीपी। क्योंकि साहब सैलरी हेड इरेलेवेंट होती है, हाउस प्रॉपर्टी भी कुछ खास बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा क्रूशियल जो हेड होता है डेट इज द पीजीबीपी हेड। इसके बाद आता है आपका कैप गेन हेड। अच्छा तो जैसे कि आपको बताया डियर, हर एक हेड के लिए कौन कौन सी इनकम उस हेड में जाएगी उसके लिए एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे हमने आपके साथ बात की थी कि सैलरी हेड के लिए जो चार्जिंग का प्रोविजन है वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 16 में, अच्छा 15 में, 15 16 17, हाउस प्रॉपर्टी में 22 में, पीजीबीपी में 28 में, कैप गेन में 45 में और अदर सोर्सेस में सेक्शन 56 में। अच्छा तो आज हम आपके साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज द पीजीबीपी हेड। हमने आपके साथ लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि एसएससी को अगर मौका मिले कि वो अपने इनकम को पीजीबीपी हेड में लेकर जाए या हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाए, तो एसएससी यूजली कोशिश करता है कि अपने इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले, अपने इनकम को पीजीबीपी हेड में लेकर जाए। बिल्कुल सही बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात कुछ सर, एक बात बताओ ना, एसएससी अपनी मनमर्जी से कैसे भी किसी इनकम को किसी भी हेड में लेके जा सकता है? ये बात भी सही है। एसएससी अपनी मनमर्जी से डियर किसी भी इनकम को अपने मनमर्जी से किसी भी हेड में लेके नहीं जा सकता। बट बहुत बार ना एसएससी के साथ साथ डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस इनकम को किस हेड में लेकर जाना चाहिए। फिर वहां पे फिर इश्यूज आते हैं, फिर वो मामला अल्टीमेटली फिर कोर्ट जाके सेटल करता है। अच्छा जैसे कि हम आपके साथ आज की क्लास में इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने अपने हाउस अगर आप रेंटल इनकम वगैरह कमा रहे हैं तो वो सैलरी तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसके बारे में हम आज आपके साथ भी मतलब जिसके बारे में भी आज हम आपके साथ बात करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीजीबीपी हेड। तो डियर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, पीजीबीपी हेड बहुत इंपॉर्टेंट हेड है और एग्जाम में 14 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है जो कि होता है डिवोटेड है टुवर्ड्स द पीजीबीपी हेड। तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि दिस हेड इज सो मच क्रूशियल। अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ पीजीबीपी हेड तो मेरे साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेड ऑफ इनकम ऑफ अमंग ऑल द हेड्स। ये बात आपको पता है कि जो पीजीबीपी हेड है दैट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट हेड एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेड अमंग ऑल द हेड्स ऑफ इनकम। पीजीबीपी हेड स्टार्ट होता है सेक्शन 28 से और जाता है सेक्शन 45 के पहले तक, मीन्स 44DB तक। अच्छा पीजीबीपी हेड में जाने से पहले पीजीबीपी हेड की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं उसका प्रॉफिट या गेन, पीजीबीपी हेड में हम क्या टैक्स कर रहे हैं? प्रॉफिट या गेन फ्रॉम योर बिजनेस और प्रोफेशन। तो सर प्रॉफिट या गेन के लिए जरूरी है कि हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होने चाहिए। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी कैन प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस। तो साहब अगर कंपनी के ऊपर अगर इंडेस अप्लाई करता है तो इंडेस यूज करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, अगर कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करता है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएगी। ठीक बात है। अच्छा यहाँ पे जाने से पहले मैं एक और छोटी सी बात आपको बता दूं। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है बुक्स का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा जो प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ये किसके लिए होता है? फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी एसएससी के, तो जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से करते हैं और साथ में आप यूज करते हैं इंडेस
या आप यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज द केस में भी एज पर द कंपनीज एक्ट आप अपने बुक्स अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और बुक्स अकाउंट्स को प्रिपेयर करके जो आप प्रॉफिट शो करते हैं, या प्रॉफिट किसको शो कर रहे होते हैं, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक बात है। अच्छा, अब होता क्या है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, होना तो ये चाहिए था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो आपने अपने बुक्स को प्रिपेयर किया, मतलब आपने जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया और उसमें जो आपने प्रॉफिट शो किया, होना तो ये चाहिए था कि इसी प्रॉफिट को हम आपके टैक्स पर्पसेस के लिए भी प्रॉफिट मान लें और इसमें हम आपका जो है वो इनकम टैक्स भी लगा दें। पर ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टैक्स पर्पसेस के लिए प्रोविजंस थोड़े से अलग होते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस थोड़े से अलग होते हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया और जो आपने प्रॉफिट का कंपटीशन किया या आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए किया, हम वो एज इट इज जो है वो आपके टैक्स पर्पसेस के लिए जनरली कंसिडर नहीं करते और हम टैक्स पर्पसेस के लिए आपके प्रॉफिट्स को या आपके इनकम को रिकम्प्यूट करते हैं यूजिंग द टैक्सेशन प्रोविजंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं डियर, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, आपको टैक्स पर्पसेस के लिए अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, तो जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया इधर एज पर इंड एस और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने वो उठाया और वहां से फिर हम इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को लगा के आपका हम टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं, जिसपे फिर हम इनकम टैक्स एक्ट जो मतलब जिसपे फिर हम आपको इनकम टैक्स जहां पे हम जाके आपके ऊपर लेवी करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे जल्दी से। एसोसिएट कैन प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस एज द केस में भी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स के मतलब टैक्स पर्पसेस के लिए आपके इनकम की कंप्यूटेशन की, आईसीडीएस वुड बी अप्लाइड फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ सोर्सेस। अच्छा, अब होता है क्या, आपने अपने बुक्स को प्रिपेयर किया एज पर कंपनीज एक्ट, वहां से आपने अपने प्रॉफिट्स वगैरह की आपने कंप्यूटेशन की, हम उस प्रॉफिट को हम टैक्स पर्पसेस के लिए एज इट इज कंसिडर नहीं करते, हम आपके प्रॉफिट्स में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के लिए हम आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं। कुछ साल पहले ऐसे एसएससीज के लिए जिनका टैक्स ऑडिट वगैरह होना है, इसके बाद हम आपके साथ बाद में करेंगे, उनके ऊपर आईसीडीएस अप्लाई करता है, इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो हम आपके साथ वो भी देखेंगे कि कौन कौन से इनकम में हमारा आईसीडीएस अप्लाई करता है और किन किन एसएससीज के लिए हमारा आईसीडीएस अप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने प्रॉफिट निकाला है एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस प्रॉफिट में हम क्या क्या लगाएंगे, आईसीडीएस लगाएंगे और साथ में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस लगाएंगे और इसके बेसिस पे हम आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे जिसपे हम आपके ऊपर इनकम टैक्स को लेवी करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, एसोसिएट कैन इधर फॉलो द कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो एसोसिएट के पास ऑप्शन है कि एसोसिएट जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाएगा, एसोसिएट कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना सकता है और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना सकता है, ये एसोसिएट के पास ऑप्शन है। हाँ, अगर आप मतलब कंपनी एसोसिएट हैं तो फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसके हिसाब से बनाएंगे, या आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा, बट इनकम टैक्स एक्ट आपको इस चीज के लिए बाउंड नहीं करता कि आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप यूज कर सकते हैं इधर द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और द एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक बात है। बट इनकम टैक्स एक्ट के पर्पसेस के लिए, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर, इनकम टैक्स एक्ट के पर्पसेस के लिए कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ या तो रिसिप्ट बेसिस पे कंसिडर की जाएंगी या तो ड्यू बेसिस पे कंसिडर की जाएंगी, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे कंसिडर किए जाएंगे एज पर सेक्शन 43B। इन सब की बात हम आपके साथ बाद में करेंगे, ये तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अच्छा, पीजीपीपी वर्सेस अदर हेड्स ऑफ इनकम, जैसे कि हमने आपके साथ बात की, जो पीजीपी हेड होता है वो बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस अलाउ करता है। यूजली बाकी जो आपके हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो आपको क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं वो फिक्स होता है। जैसे कि हमने आपके साथ बिल्कुल पहली क्लास में बात की थी डियर, जो आपका सैलरी हेड होता है वो आपको बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंसेस अलाउ करता है। इसी तरीके से जो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है ये भी आपको बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंसेस अलाउ करता है। सबसे ज्यादा और सबसे वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस जो हेड आपको अलाउ करता है, दैट इज द पीजीपीपी हेड। ठीक बात है। अच्छा, मेरे साथ साथ थोड़ा सा देखेंगे पीजीपीपी वर्सेस हाउस प्रॉपर्टी हेड, इसके बारे में भी हम आपके साथ थोड़ी देर के बाद बात करेंगे जब हम बात करेंगे रेंटल इनकम के बारे में। ऑल्दो हमने आपके साथ इसके बारे में भी बात की है कि अगर एसोसिएट अगर रेंटल इनकम अर्न कर रहा है तो एसोसिएट की कोशिश होती है कि वो इस इनकम को यूजुअली पीजीपीपी हेड में लेकर चला जाए, बिकॉज पीजीपीपी हेड अलाउस मोस्ट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। और दूसरा, पीजीपीपी हेड का अगर लॉस है तो आप उसको बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं टू एनी एक्सटेंट एक्सेप्ट सैलरी। तो साहब कंपनी में तो सैलरी हेड ऐसे भी नहीं होता, तब तो सैलरी हेड की तो बात ही बेकार है। अच्छा, बट अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है तो आप उसको बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक। और इवन अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में चले गए तो आप वो भी नहीं कर सकते। इन योर इसकी बात बाद में करेंगे।
आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ पीजीपीपी हेड में जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ करना चाहते हैं बिफोर वी गेट इनटू द पीजीपीपी हेड। पीजीपीपी हेड में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करनी रहती है वो करके फिर हम आपके साथ पीजीपीपी हेड में एंटर करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने आपको बार बार कहा डियर, जो पीजीपीपी हेड होता है वो आपको बहुत तरीके के एक्सपेंसेस अलाउ करता है, क्योंकि डियर अगर आप बिंगर सीए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एसएससी तो आपका जो क्लाइंट है और आपके बीच में ज्यादातर टाइम इसी बात को जाएगा कि सर ये भी खर्चा मेरा अलाउ करा दो, ये भी खर्चा मेरा अलाउ करा दो, क्योंकि जितने तरीके के खर्चे एसएससी के अलाउड होंगे डियर, एसएससी का टैक्सेबल इनकम उतना ही कमाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो भी उतनी कमाएगी। तो इसलिए आपको बहुत इस बात का अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पीजीपीपी हेड आपके कौन कौन से खर्चे अलाउ करता है। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, पीजीपी हेड इज द ओनली हेड ऑफ इनकम दैट अलाउज द डिडक्शन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस हेड ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस टू द एसएससी। मतलब मैक्सिमम प्रकार के एक्सपेंसेस अगर कोई हेड अलाउ करता है दैट इज द पीजीपीपी हेड। अच्छा, दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक बात है। अच्छा, पीजीपीपी हेड आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ करता है, बहुत ध्यान से जो मैं शब्द बोल रहा हूं, पीजीपीपी हेड जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ करता है वो स्पेसिफाइड है फ्रॉम सेक्शन 32-36। पीजीपीपी हेड आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउ करता है वो स्पेसिफाइड है फ्रॉम सेक्शन 32-36। तो सर क्या सारे प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंसेस पीजीपीपी हेड के लिए पॉसिबल है स्पेसिफाई करना? नहीं सर, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस से जुड़े खर्चे हो सकते हैं जो कि हो सकता है कि आज ना हो बट एक साल के बाद हो। तो क्या एक्ट बनाने वालों को क्या वो सारे के सारे खर्चे इमेजिन करना पॉसिबल रहा होगा? नहीं सर। तो उन्होंने जो भी वो इमेजिन कर सके उन्होंने उसको सेक्शन 30 से लेकर 36 में डाल दिया और कहा कि साहब सेक्शन 30 से लेकर 36 तक के जो एक्सपेंसेस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, बट साथ में एक और सेक्शन ऐड कर दिया जिसका नाम है सेक्शन नंबर 37, जहां पे उन्होंने कहा कि जो भी खर्चे हमने अलग से स्पेसिफाई नहीं किए जो एसएससी अपने बिजनेस के लिए कर रहा है ऑफ द रेवेन्यू नेचर, वो एसएससी सेक्शन 37 में क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब सेक्शन 37 इज अ रेसिडुअल सेक्शन जहां पे आप वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी और सेक्शन में अलाउड नहीं है। ठीक बात है। तो इसका मतलब जो भी खर्चे आपको अलाउड है रेवेन्यू नेचर के वो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 30 से लेकर 36, जो आपके रेसिडुअल खर्चे बच गए वो आप सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सेक्शन 37 के कंडीशंस को पूरा करेंगे। सेक्शन 37 के कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो वो खर्चे जो स्पेसिफिकली सेक्शन 30 से लेकर 36 में अलाउड नहीं है वो आप सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। तो सर एक बात बताओ, अगर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जो कि सेक्शन 30 से लेकर 36 में अलाउड नहीं है और दूसरा मैं सेक्शन 37 की कंडीशंस को भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या वो खर्चा मुझे अलाउड नहीं होगा? नहीं डियर, फिर हो सकता है कि वो एक्सपेंस आपको अलाउड ना हो, आप उसका टैक्स बेनिफिट क्लेम ना कर सकें। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात, रेवेन्यू एक्सपेंसेस चूंकि वन गो में अलाउ होता है, ध्यान दीजिएगा, एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड इन वन गो, एसएससी यूजुअली ट्राइज टू क्लेम एक्सपेंसेस एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है एडीए, इसको आप वन गो में क्लेम कर सकते हैं। वन गो का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट आप किसी एक ही फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हैं। इसलिए एसएससी की कोशिश होती है कि वो अपने ज्यादातर खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से क्लेम कर ले। ठीक बात है। अच्छा, जहां तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है, इनकम टैक्स एक्ट यूजुअली वन गो में कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं करता। फिर से, जहां तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, मैंने लेट्स से कि कोई एसेट वगैरह परचेज कर लिया, तो इनकम टैक्स एक्ट यूजुअली वन गो में कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करता, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अलाउ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस या साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ बाद में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों में आपके साथ मतलब समय लगाएंगे। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट यूजुअली वन गो में अलाउ नहीं करता। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनकम टैक्स एक्ट आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है एज पर सेक्शन 32। तो अगर एसएससी ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, रेयर सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वन गो में अलाउ हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको वन गो में अलाउ नहीं होता और उसके बदले आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं एज पर सेक्शन 32। इसलिए डियर, डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर या वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपेंडिचर जो कि एसएससी को अलाउड होता है, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन में इतना ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है आपके साथ। अच्छा,
देखेंगे मेरे साथ साथ। तो ये सारी की सारी बातें होंगी। तो हमने कहा कि दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो वन गो में अलाउड होता है, और इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 30 से लेकर 36 में। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्होंने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ वो सेक्शन 37 में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप सेक्शन 37 की कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आप बाकी जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जो कि स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, जहां तक सवाल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप वन गो में यूजुअली क्लेम नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसके अलावा। और अगर बाकी केसेस में आपको उसके लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड होता है एज पर सेक्शन 32, एज पर सेक्शन 32। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, अब इसमें ना दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। सर क्या? एक होता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन रिजीम, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन रिजीम, जैसे सेक्शन 44 ED, सेक्शन 44 मतलब सेक्शन 44 ADA वगैरह वगैरह, जहां पे हम आपकी इनकम को पीजीपीपी हेड में प्रिजम्प्टिव बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8% ऑफ द टर्नओवर, उसको हम आपकी इनकम मान लें वगैरह वगैरह। तो अगर आप किसी ऐसे रिजीम में फॉल करते हैं तो आपको इनका तो आपको पीजीपीपी हेड के जो एक्सपेंसेस हैं वो डीम्ड अलाउड होते हैं, डीम्ड अलाउड होते हैं। इसकी बात बाद में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज का पर्पस हमारा थोड़ा सा ये है कि आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देना पीजीपीपी हेड का। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टैक्सेशन रिजीम्स एंड अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस अंडर द पीजीपीपी हेड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब कि अलग अलग टैक्सेशन रिजीम्स क्या क्या हैं और आपको कौन कौन से खर्चे पीजीपीपी हेड में या कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि पीजीपीपी से एसोसिएटेड है जो कि आपको अलाउड होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, इसके बाद ही हम आपके साथ पीजीपीपी हेड में एंटर करेंगे। क्योंकि पीजीपीपी हेड में जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि आपको एक्सपेंडिचर्स का अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेक्शन 30 से लेकर 36 प्लस सेक्शन 37। तो अगर आप ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो बहुत सारे खर्चे वहां पर डिसअलाउड हो जाते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन कौन से खर्चे मुझे किस किस रिजीम में अलाउड होते हैं। ऑल्दो इनके बारे में हम आपके साथ बाद में भी बात करेंगे, बट एक जान पहचान हो जाएगी पहले, तो हमें तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी मतलब ईजी रहेगा पीजीपीपी हेड में आगे बढ़ना। अच्छा डियर फ्रेंड्स, जो कंपनी एसएससी होती है, आपको बताया डियर कंपनी एसएससी के लिए और खास तौर पे डोमेस्टिक कंपनी के लिए दो एटीआर हैं, देयर आर टू एटीआर फॉर डोमेस्टिक कंपनी, एक 115BAA और एक 115BAB। इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी। अच्छा, ये जो ATR है ये कंपनी ऑप्ट कर सकती है, ये बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता। अगर कंपनी चाहे तो इन दोनों में से कोई भी ATR को ऑप्ट कर सकती है एज पर द प्रोविजंस होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अगर कंपनी ना चाहे तो कंपनी अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रख सकती है। अगर कंपनी अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रखती है तो उसे किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस नहीं है, उसे किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर का स्पेसिफिक डिसअलाउंस नहीं है, वो हर प्रकार का एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती है अंडर द पीजीपीपी हेड, हाँ एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट। ठीक बात है। अगर कंपनी अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रखती है तो उसे किसी भी प्रकार के खर्चे का डिसअलाउंस नहीं है, वो हर प्रकार का खर्चा, वो हर प्रकार का एक्सपेंस, वो हर प्रकार का डिडक्शन क्लेम कर सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट। ठीक बात है। अच्छा, इसका मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, ऑल द एक्सपेंसेस आर अलाउड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट। क्योंकि साहब अगर कंपनी अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में ही रखती है, मतलब 115BAA या 115BAB ऑप्ट इन नहीं करती, तो कंपनी जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हर प्रकार का एक्सपेंडिचर और हर प्रकार के एक्सपेंस को क्लेम कर सकती है। ठीक बात है। बट अगर कंपनी इन दोनों में से किसी भी रिजीम में जाती है, या तो कंपनी 115BAA में जाए या तो कंपनी 115BAB में जाए, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। सर कौन कौन से एक्सपेंसेस? वो 10AA क्लेम नहीं कर सकती एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए, वो सेक्शन 35AD क्लेम नहीं कर सकती जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए होता है, वो सेक्शन 33AB क्लेम नहीं कर सकते जो कि टी कॉफी रबर के लिए होता है, और वो सेक्शन 33ABA क्लेम नहीं कर सकते जो कि पेट्रोलियम के लिए होता है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती। डियर बहुत ध्यान से, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 32(1)(2)A। वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो डोनेशन होते हैं उसको क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, साइंटिफिक रिसर्च आप खुद से करो और आप सेक्शन 35(1)(1) में रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम करो और सेक्शन 35(1)(4) में कैपिटल एक्सपेंस क्लेम करो, बट अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर किसी को पैसा दान दे रहे हो तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते साहब। तो आप सेक्शन 35(1)(2)
टू वे और थ्री, ऑल्दो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा आपके साथ समय लगाएंगे, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे जब आप साइंटिफिक रिसर्च में जाएं, तो आपको कम से कम ये तो याद रहे कि सर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी एटीआर में क्लेम नहीं कर सकती। तो आपको अगर थोड़ा सा पहले से पता रहेगा तो आप इन चीजों को वहां पर कम से कम रिकॉल तो कर पाएंगे। अच्छा, सेक्शन साथ में अगर कंपनी आईआईटी वगैरह को साइंटिफिक रिसर्च के नाम का पैसा दान कर रही है तो कंपनी उसका भी क्लेम नहीं कर सकती। डिडक्शन सेक्शन 35(2)(a) कंपनी सेक्शन 35(2)(ab) में इवन अगर इन हाउस आरएनडी करती है वो भी क्लेम नहीं कर सकती सेक्शन 35(2)(ab) में। अच्छा, कंपनी सेक्शन 35(CCC) क्लेम नहीं कर सकती एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए, और सेक्शन 35(CGD) क्लेम नहीं कर सकती जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसका मतलब अगर कंपनी एटीआर में जाती है, अगर कंपनी एटीआर में जाती है इधर 115(BAA) और 115(BAB), तो कंपनी ये सारे के सारे खर्चे क्लेम नहीं कर सकती। ऑल्दो अगर वो 10AA के कंडीशंस को फुलफिल कर भी दे, वो सेक्शन 35(AD) के कंडीशंस को फुलफिल कर भी दे, सेक्शन 33(AB), सेक्शन 33(ABA), सेक्शन 32(1)(2)(a), सेक्शन 35(1)(2)(2)(a)(3), सेक्शन 35(2AA), सेक्शन 35(2AB), सेक्शन 35(CCC), सेक्शन 35(CGD), अगर आप इनके स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा कर भी देते हैं, चूंकि आप एटीआर में हैं, चूंकि आपने 115(BAA) या फिर 115(BAB) ऑप्टिन किया हुआ है, आप इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आर यू गाइस गेटिंग, क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, तो ये तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा, सेकेंड एंटिटी जो कि जिसके लिए एटीआर है साहब, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए दो एटीआर हैं, 115(BAAD) और एक और नया आया है 115(BAE) जो कि मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक रिजीम को ऑप्टेन कर सकती हैं, चाहें तो अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में भी रख सकती हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रखती है तो वो सारे के सारे खर्चे क्लेम कर सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक डिसअलाउंस नहीं है। बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को इन दोनों में से किसी भी एटीआर में लेके जाती है तो वो सारे के सारे खर्चे जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी क्लेम नहीं कर सकती थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्लेम नहीं कर सकती है साहब। मतलब 10AA क्लेम नहीं कर सकती, 35AD, 33AB, 33ABA, 32(1)(2)(a) मींस एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35(1)(2)(2)(a)(3), 35(2AA, 35(CCC) मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर। जो सेक्शन 35(2AB) होता है वो एक्सक्लूसिव है टू अ कंपनी। सेक्शन 35(2AB) इज अ कंपनी एक्सक्लूसिव सेक्शन, इसलिए कॉपरेटिव सोसाइटी में तो ये ऐसे भी अलाउड नहीं था। तो चूंकि अलाउड ही नहीं तो फिर आप उसको क्लेम कैसे करेंगे? अच्छा, इसी तरीके से जो सेक्शन 35(CCD) है वो कंपनी स्पेसिफिक सेक्शन है, तो इसलिए अगर आप एक कॉपरेटिव सोसाइटी तो आप इसको ऐसे भी क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको अलग से यहाँ पर डिसअलाउंस के फॉर्म में नहीं दिखाया। अदरवाइज जितने भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि कंपनी क्लेम नहीं कर सकती है अगर वो 115(BAA) या फिर 115(BAB) में जाती है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस एक कॉपरेटिव सोसाइटी भी क्लेम नहीं कर सकती अगर वो इन दोनों में से किसी भी एटीआर में जाती है। ठीक बात है साहब। अच्छा, आखिरी में हमारे पास जो एटीआर या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के रिजीम्स हैं वो है फॉरेन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट किसमें रहते हैं? सेक्शन 115(BAC) रिजीम। ये चाहे तो 115(BAC) रिजीम से ऑप्ट आउट करके ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जा सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं उस केस में ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। बट अगर अपने आप को ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115(BAC) में ही रखते हैं तो उस केस में वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि हमने कंपनी के लिए देखा, कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए देखा, वो ये भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे 10AA, 35AD, 33AB, 33ABA, 32(1)(2)(a), 35(1)(2)(2)(a) और 3, 35(2AA, सेक्शन 35(CCC), अगेन सेक्शन 35(2AB) जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए होता है। मीन्स ये एक्सपेंस अलाउड ही सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को होता है, तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP को तो ऐसे भी अलाउड नहीं होता, तो वो फिर तो उसको क्लेम ही नहीं कर सकते, तो फिर ये तो बात ही गलत है। इसी तरीके से सेक्शन 35(CCD) जो है साहब, ये अलाउड ही एक कंपनी SEC को होता है, ये नॉर्मल SSEs को, मतलब अदर देन कंपनी SSE को अलाउड ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी 115(BAA) या 115(BAB) एक कॉपरेटिव सोसाइटी 115(BAD) या 115(BAE) या एक इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP अपने आप को 115(BAC) के डिफॉल्ट रिजीम में रखते हैं, तो वो नॉर्मली एक ही तरीके के एक्सपेंसेस हैं जो वो क्लेम नहीं कर सकते। तो
सो दीज आर जनरली द सेम एक्सपेंसेस. बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 35(2AB), बस आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 35(2AB) और सेक्शन 35(CCD) ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी एसएससी को ही अलाउड होता है. और अगर कंपनी एसएससी अगर ATR में जाती है, ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में, उस केस में वो इसे भी क्लेम नहीं कर सकती. ठीक है, अच्छा आगे आते हैं जल्दी से. तो फिर हमने आपके साथ बहुत सारी बेसिक बातें देख ली. अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं PGBP हेड. तो मेरे साथ साथ देखेंगे. अच्छा, इंट्रोडक्शन चार्जिंग सेक्शन. तो साहब हम आपके साथ जो हेड शुरू कर रहे हैं डेट इज PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो यहां पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले क्या साहब, सबसे पहले तो ये बताओ बिजनेस क्या होता है, दूसरा हमें ये बताओ प्रोफेशन क्या होता है, और तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा. प्रॉफिट्स एंड गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा, क्योंकि आपका जो अल्टीमेटली जो आपको टैक्स पे करना है हेड के नाम के हिसाब से, वो किस पे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स पे. और ये प्रॉफिट्स गेन्स कहाँ से आया, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. तो मेरे साथ साथ देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्या होता है. तो सेक्शन 213 बिजनेस को डिफाइन करता है. तो मेरे साथ साथ देख लें, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर. मतलब थ्री मैजिकल वर्ड्स सर, क्या, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर. ट्रेड का मतलब होता है कि साहब आपने गुड्स किसी से खरीदा, किसी को आगे सेल कर दिया अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके. कॉमर्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का बिजनेस का, मतलब किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी करना. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि आप मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करते हैं. अच्छा, तो या तो आप ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, या अगर आप किसी भी तरीके का एडवेंचर या किसी भी तरीके का कंसर्न करते हैं. एडवेंचर का मतलब क्या हुआ कि सर मैंने ना एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका. एनी हाउ, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, यू हैव ट्राइड, यू हैव टेकन, यू हैव डन अ काइंड ऑफ एडवेंचर. ओके, तो आपने किसी भी तरीके का ट्रेड, कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चर किया. अगर आप किसी भी तरीके का एडवेंचर या कंसर्न करते हैं इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर, मतलब ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर या ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उसको हम कहते हैं बिजनेस. अब डियर, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, इस पे हम डीप में नहीं जाते. अदरवाइज देर आर हंड्रेड्स ऑफ केस लॉज जो कि इसी के ऊपर हैं कि साहब ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, और साथ में एडवेंचर या कंसर्न क्या होता है. तो इन चीज़ों में हम फिलहाल नहीं जाते. अच्छा, दूसरा प्रोफेशन क्या होता है. तो एक्ट ने प्रोफेशन को डिफाइन नहीं किया. एक्ट सिर्फ ये कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 36 में कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्ट स्पेसिफिकली प्रोफेशन को डिफाइन नहीं करता. तो हमें नॉर्मल मीनिंग ऑफ द एक्ट के हिसाब से प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और नॉर्मली प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे. द प्रोफेशन मीन्स कि आपके पास कोई स्किल है, या आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू आप कुछ ऐसा करने के लिए एलिजिबल हैं जो कि जनरली लोग करने के लिए एलिजिबल नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो साहब हर एक व्यक्ति CA की प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकता या CA वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशन या वो रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नहीं है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन. तो मेरे साथ साथ देखेंगे. The term profession is not defined in that. Profession means something which involves application of some special learning, skill and qualification. ठीक बात है, means आपके पास क्या है, आपके पास some special learning है, skill है और qualification. और ये आपको कैसे मिली, ये आपको मिली through some training, experience और education. जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, डॉक्टर, लॉयर, पेंटर, ऑथर, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा. तो सब ये सारे के सारे लोग ना प्रोफेशन में क्वालिफाई होते हैं. तो साहब प्रोफेशन का मतलब जो एक्ट ने तो दिया नहीं, एक्ट सिर्फ ये कहता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो हमने देखा प्रोफेशन में बेसिकली कौन कौन से लोग आते हैं जो कि अपने कुछ स्किल या कुछ अपनी क्वालिफिकेशन या अपने किसी मतलब स्किल वगैरह को यूज करके जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली प्रोफेशनल्स. अच्छा, एक्ट कहता है प्रोफेशन और वोकेशन दोनों सेम है. तो वोकेशन मतलब प्रोफेशन में वोकेशन भी मतलब इंक्लूड होता है. तो साहब फिर ये वोकेशन क्या है, तो वोकेशन क्या होता है, वोकेशन इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल सर जी कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ना दे आर वेरी गुड सिंगर्स, उन्होंने उनको ना गाने की जो है मतलब सिंगिंग जो होती है उनको ईश्वर की तरफ से दिया गया हम कह सकते हैं मतलब गिफ्ट होती है. मीन्स द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग.
उसके लिए हो सकता है कि उन्होंने अलग से कोई ट्रेनिंग ली हो सकता है नहीं भी ली हो, बट वो जो है इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, मीन्स दे आर इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. ठीक बात है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, सो दीज आर कॉल्ड वोकेशन. तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो हमने देखा कि बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, साथ में वोकेशन होता है. तो सर फिर इन चीजों को क्या अलग अलग हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा? डियर फ्रेंड्स, कुछ एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं टू द बिजनेस, और कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं टू द प्रोफेशन और वोकेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 44AD, वो आपके बिजनेस के लिए है, और सेक्शन 44AD है ये प्रोफेशंस के लिए. तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. इसी तरीके से मेंटेनेंस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, तो वो बिजनेस के लिए वहां पे रिक्वायरमेंट अलग है और प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट अलग है. सो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि साहब बिजनेस प्रोफेशन के लिए थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी थोड़ा सा सेग्रीगेशन है. तो इसलिए आपको बिजनेस प्रोफेशन के बारे में पता होना चाहिए. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 ने से अमेंड भी किया था, और क्या अमेंडमेंट आया था इसकी भी बात करते हैं. तो डियर, जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि किसी भी सेक्शन, किसी भी हेड में कौन कौन सी इनकम लायबल टू टैक्स होगी, ये एडहॉक बेसिस पे नहीं होता, इसके लिए एक प्रॉपर चार्जिंग सेक्शन होता है. और पीजीबीपी के लिए जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 28. सैलरी के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22, द सेम थिंग इज विद पीजीबीपी सेक्शन नंबर 28. अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हैं साहब जो कि आपको यहां पे दी गई हैं, जो कि पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन में आती हैं. तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन में आती हैं, और वो चीजें क्या क्या हैं. तो मैंने इसको ना चार पार्ट्स में सेग्रीगेट किया हुआ. सबसे पहले है नेचुरल इंक्लूजन, दूसरा है एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तीसरा है कंपनसेशन रिसीव्ड, और चौथा है अदर इंक्लूजन. अच्छा, देखेंगे. सबसे पहले है वो, मतलब ऐसी चीजें जो कि पीजीबीपी हेड में ही जानी थी. अगर वो पीजीबीपी हेड में अगर आप इसको लेके नहीं जाएंगे तो ये किसी और हेड में नहीं, में मतलब नहीं जा सकती. तो क्या क्या ऐसी मतलब चीजें हैं जो कि पीजीबीपी हेड के लिए ही है, मीन्स इनका पीजीबीपी के अलावा दूसरा कोई हेड हो भी नहीं सकता था. एनी प्रॉफिट गेन फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन कैरिड ऑन बाय द ससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो अगर कोई पर्सन अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन कमाता है फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, तो साहब वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी हेड में जाएगा. अच्छा, दूसरा एनी बेनिफिट और परकोसिट देयर इन. तो लेट्स से कि अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस प्रोफेशन या वोकेशन कर रहे हैं, तो वहां से अगर आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट मिलता है, या अगर आपने वहां से किसी भी तरीके का कोई परकोसिट अर्न किया है उस बिजनेस प्रोफेशन या वोकेशन से, तो वो जो बेनिफिट परकोसिट तो वो जो बेनिफिट या फिर मीन्स परकोसिट आपने वहां से अर्न किया है, दैट इज ऑल्सो लायबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. ठीक बात है. अच्छा, वो बेनिफिट या परकोसिट जो होगा वो साहब वो आपको कैश में मिल सकता है, काइंड में मिल सकता है, वो हो सकता है कि मनी में कन्वर्टेबल हो, या हो सकता है कि मनी में कन्वर्टेबल ना भी हो. तो फाइनेंस एक्ट 2023 ने इसी को थोड़ा सा अमेंड किया था. क्या अमेंड किया था इसकी बात करेंगे. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी तरीके का बिजनेस प्रोफेशन या वोकेशन कर रहा हूं, उससे मैंने जो भी प्रॉफिट या गेन कमाया वो मेरे पीजीबीपी हेड में जाएगा, मींस उसकी जो मतलब टैक्सेबिलिटी होगी डेट वुड बी अंडर द हेड पीजीबीपी. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से लेट्स से कि मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे किसी भी तरीके का बेनिफिट या परकोसिट मिलता है, वो बेनिफिट या परकोसिट कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, या फिर इन कैश या फिर इन काइंड हो सकता है, मीन्स पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड हो सकता है, और साथ में वो मनी में कन्वर्टेबल हो भी सकता है, और साथ में वो मनी में कन्वर्टेबल में वो कन्वर्टेबल नहीं भी हो सकता, वो भी मेरे पीजीबीपी हेड में जाएगा, मीन्स मैं चाह के भी इसको किसी और हेड में लेके नहीं जा सकता. अच्छा, लेट्स से कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं कोई प्रोफेशन कर रहा हूं, उससे मैंने जो भी प्रॉफिट या गेन कमाया वो मेरे पीजीबीपी हेड में जाएगा. बट लेट्स से कि अगर कोई पर्सन मुझे कुछ पैसे देता है कि साहब आप ये वाला बिजनेस ना करो, आप ये वाला प्रोफेशन ना करो, तो अगर मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, अगर मुझे कोई बेनिफिट मिलता है फॉर नॉट डूइंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो जो पैसे या वो जो बेनिफिट होगा डियर, वो भी मेरे पीजीबीपी हेड में जाएगा. तो इसका मतलब
एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्स अंडर हेड पीजीबीपी। पर लेट से अगर वो पैसे आपको मिलते हैं फ्रॉम यूएन ओजोन फंड, क्योंकि आपको पता है डियर हमारे एटमोसफेयर में ना वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और आपको पता है आजकल एक टर्म बड़ी फेमस है, कार्बन क्रेडिट। अच्छा, तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो अलग अलग देशों को हेल्प कर रहा है और अलग अलग देशों को कह रहा है कि आप अपने देशों की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद कराएं और उसके बदले उनको कुछ कंपनसेशन दें। तो लेट्स से कि एक कंपनी है जिसके पास लेट्स से 4 फैक्ट्रीज हैं, तो लेट्स से कि अगर यूएन ओजोन प्रोटेक्शन फंड से उस कंपनी को 5 करोड़ रुपए मिले कि साहब आप अपनी एक फैक्ट्री बंद कर दें और बाकी 3 फैक्ट्रीज को आप क्लीन एनर्जी पे रन करें, ठीक बात है, तो इसका मतलब आपको पैसे मिले 5 करोड़ रुपए एक फैक्ट्री को बंद करने के लिए, मींस फॉर नॉट डूइंग समथिंग, फॉर नॉट डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो 5 करोड़ रुपए आपके पीजीबीपी हेड में चले जाते हैं एज पर सेक्शन 28, पर चूंकि वो पैसे आपको यूएन ओजोन प्रोटेक्शन फंड के तहत मिले हैं, तो इसलिए सरकार ने कहा है कि ठीक है साहब, अगर ये यूएन ओजोन प्रोटेक्शन फंड के तहत मिलेंगे तो हम उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, डेट इज अ कैपिटल रिसिप्ट विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, लेट से कि आपको जो पैसे मिले हैं अगर वो आपके कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हैं, तो फिर आप उसको कैपिटल गेन हेड में चार्ज करना, फिर आप उसको पीजीबीपी हेड में चार्ज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल में एंगेज्ड है, उस कंपनी ने कोई लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, और कंपनी ने एग्री किया कि ठीक है साहब अब हम इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो चूंकि आपने लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दिया, मींस आपके पास जो पैसे आएंगे डेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो पीजीबीपी हेड में जाकर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक बात है। चौथा, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ एक्सेट्रा। तो अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, अगर आपको कोई भी पर्सन कोई भी पैसे देता है कि साहब अपना इस नो हाउ को, इस इंटेंजिबल असेट को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर मत करना, तो उसके लिए जो आपको पैसे मिलेंगे डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आर्किटेक्ट की फॉर्म है, जिन्होंने किसी पर्टिकुलर एसेसी के लिए कोई होटल बनाया, कोई होटल आर्किटेक्ट के, तो मान लीजिए कि इस होटल को आर्किटेक्ट करके इस आर्किटेक्ट के फर्म को 100 करोड़ रुपीज एज अ फीस मिली, साथ में जिस कंपनी के लिए इन्होंने इस होटल को बनाया ये कंपनी इनको 10 करोड़ रुपए और देती है और कहती है साहब कि आप इस तरीके का होटल किसी और कंपनी के लिए या किसी और पर्सन के लिए नहीं बनाओगे। तो लेट से एक्स वाई जेड एक आर्किटेक्ट की फर्म है जिन्होंने एक होटल आर्किटेक्ट किया, लेट से उन्होंने ना बुर्ज खलीफा जैसा कोई बिल्डिंग जैसी कोई बनाई, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उनको 100 करोड़ रुपीज मिले, साथ में जिस कंपनी के लिए उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाया वो कंपनी इनको 10 करोड़ रुपीज और देती है और कहती है साहब कि इस तरीके के बिल्डिंग को आप किसी और कंपनी के लिए नहीं बनाओगे, ठीक है, साथ में ये कंपनी इनको 10 करोड़ रुपए और देती है और कहती है कि इस तरीके के बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट का जो फॉर्मूला है ये आप किसी और पर्सन को नहीं सेल करोगे, ठीक बात है। तो साहब 100 करोड़ रुपए प्लस 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ मतलब मेरे हैंड में 120 करोड़ रुपए लायबल टू टैक्स हो जाएंगे, ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ ध्यान से देखेंगे, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, तो बुर्ज खलीफा के ओनर्स ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए कि साहब आप बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्ट का जो आपने जो ब्लूप्रिंट वगैरह बनाया था वो आप किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है, उन्होंने मुझे 10 करोड़ रुपए और दिए और कहा कि आप बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग किसी और के लिए नहीं बनाओगे, मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए मिले वो तो मेरे पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल ही है, साथ में 10 करोड़ रुपए मुझे बुर्ज खलीफा के ओनर्स ने इस बात के लिए दिए कि मैं बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग किसी दूसरे के लिए नहीं बनाऊं, तो वो भी मेरे पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल है, साथ में 10 करोड़ उन्होंने मुझे इसलिए दिए कि मैं बुर्ज खलीफा का ब्लूप्रिंट वगैरह किसी और पर्सन के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि साहब आपने मुझे कहा है कि आप बुर्ज खलीफा को किसी और के लिए नहीं बनाना, तो ठीक है साहब मैं नहीं बना रहा, मैं किसी और को इसका ब्लूप्रिंट वगैरह सेल कर दूंगा, बुर्ज खलीफा को वो बना लेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा। तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए मुझे दिए कि मैं बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग फिर से नहीं बनाऊं, और 10 करोड़ रुपए मुझे उन्होंने इस बात के लिए भी दिए कि मैं किसी और पर्सन को बुर्ज खलीफा का ब्लूप्रिंट वगैरह मैं सेल ना करूं, शेयर ना करूं, तो वो जो पैसा रहेगा साहब डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से
हमारे देश में जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको एक सेपरेटली असेसेबल यूनिट माना गया है। बहुत सारे देशों में पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेटली असेसेबल यूनिट नहीं होती, तो हमारे देश में पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज अ सेपरेटली असेसेबल यूनिट। तो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो इंप्लॉयज नहीं होते, वो उसके ओनर्स होते हैं। अब होता क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह देगी, तो पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई बोनस, कमीशन, सैलरी, रेमुनरेशन वगैरह पे कर रही है, तो वो पार्टनर के हेड में किस हेड में जाकर टैक्सेबल होगा। तो इस बात को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, कुछ लोगों ने कहा सैलरी हेड में, बट सैलरी हेड के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहे। क्या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं सर, तो सैलरी हेड में तो टैक्सेबल हो नहीं सकता। तो इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को किसी भी तरीके का सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन वगैरह देगी, वो पार्टनर्स के हेड में किस हेड में जाकर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में। ठीक बात है, बट यहाँ पे ना दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। आगे अगर आप कुछ वर्ड को देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B लिमिटेशन। अब ये सेक्शन 40B लिमिटेशन क्या, इसकी बात कर लेते हैं। मेरी बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि एक पार्टनरशिप फॉर्म और इसके लेट्स अ पार्टनर्स, पार्टनर्स ए बी, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती है, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। पार्टनरशिप फर्म 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है और पार्टनरशिप फर्म को पता है साहब कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। तो अगर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप फर्म के हैंड में सरकार को दिख गया तो सरकार क्या करेगी, 6 लाख रुपए का इस पर टैक्स लगा देगी, एजुकेशन से इसको नहीं जोड़ते हुए। सरकार इस पर 6 लाख रुपए का टैक्स लगा देगी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर्स को 10 लाख रुपए मिस्टर ए को दे देती है इन द नेम ऑफ बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, और 10 लाख रुपए मिस्टर बी को दे देती है इन द नेम ऑफ बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन। तो इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म के पास जो प्रॉफिट्स आ रहा था वो 20 लाख आ रहा था, माइनस 20 लाख कर दें कि हमने अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन के नाम का पैसा दे दिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास बचा क्या, नल। तो चूंकि पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ बचा ही नहीं साहब, तो पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लाइबिलिटी क्या हो गई, नल। यू गाइस गेटिंग? अच्छा, बट सर पार्टनर्स के पास तो पैसा पहुंच गया, हमने कहा चलें सब पार्टनर्स के पास पैसा पहुंच गया, मिस्टर ए के पास और मिस्टर बी के पास दोनों के पास 10 लाख, मतलब 10-10 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म से आ गए। और सेक्शन 28 कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से किसी भी तरीके का बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह रिसीव करता है तो वो उसके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। हमने कहा चलें सब वो भी ठीक है। यू गाइस गेटिंग? अच्छा, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस 20 लाख की जगह कर देते हैं 30 लाख रुपए, ठीक बात है। और पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स पेबल कितना था, 9 लाख रुपए, और पार्टनर्स को उन्होंने कितना दे दिया, 15-15 लाख रुपए, ठीक है। अब हमने 20 को बढ़ा के कर दिया 30 लाख रुपए, बाकी सब कुछ सेम। तो ये जो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में अराइज हो रहा था साहब, उस पर 9 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। पार्टनर ए को 15 लाख रुपए उन्होंने बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन के नाम पर दे दिया, पार्टनर बी को भी 15 लाख रुपए दे दिया, ठीक है सर। पार्टनरशिप फर्म इसका डिडक्शन क्लेम कर लेगी और पार्टनर्स के हेड में ये सेक्शन 28 के हिसाब से इनके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। पार्टनर ए और बी दोनों ने अपने आप को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 बीएसी में रखा हुआ है। मुझे बताएंगे 15 लाख पर टैक्स कितना बनता है, 1.5 लाख रुपए। तो पार्टनर ए के हेड में टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 1.5 लाख, पार्टनर बी के हेड में टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 1.5 लाख रुपए। पार्टनर ए के हैंड में टैक्स लाइबिलिटी 1.5 लाख, पार्टनर बी के हैंड में टैक्स लाइबिलिटी 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब टोटल मिला के टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 3 लाख रुपए। और यही 30 लाख रुपए अगर पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्स हो रहा था तो फिर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी थी, 9 लाख रुपए। बट ये जब 30 लाख रुपए जब पार्टनर्स के इंडिविजुअल हैंड्स में टैक्स हो रहा है तो सर टैक्स लाइबिलिटी घट के कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। तो सरकार को तो 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो सर फिर आप इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह नहीं दे, नहीं दिया। तो सरकार एक बैलेंस बनाएगी जहां पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन वगैरह दे भी, बट वो अनरीजनेबल ना हो, अनरीजनेबल ना हो। इसलिए सरकार ने कंडीशन, लॉ मेकर्स ने कंडीशन इंपोज कर दिया सेक्शन 40B में, जिसको हम कहते हैं सीलिंग लिमिट, कि आप मैक्सिमम कितना सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन के नाम का पैसा दोगे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये जो सीलिंग लिमिट जो है ये पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगी, इसके बाद हम आपके साथ बाद में करेंगे। तो लेट्स से मेरी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक पार्टनरशिप फर्म ने 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और 15-15 लाख रुपए अपने दोनों पार्टनर्स को बांट दिए। पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट कितने हो गए, निल हो गए। पार्टनर्स के एंड में 15-15 लाख रुपए की इनकम हो गई, जिस पर टैक्स बन गया 1.5, मतलब टैक्स बन गया 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख।
तो 3 लाख रुपए का टैक्स, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म के एंड में वो 9 लाख रुपए बनता, तो पार्टनरशिप फर्म जो है उसने अपने पास एक बहुत ही सॉलिड टैक्स प्लानिंग कर ली। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 40 बी लेट से कहता है कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही अलाउबल रेमुनरेशन था। सेक्शन 40 भी क्या कहता है कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही अलाउबल रेमुनरेशन था। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म ने तो 30 लाख रुपए बांट दिया। सेक्शन 40 भी कहता है कि साहब आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए हम आपके लिए अलाउबल रेमुनरेशन रखेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म को 30 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, 20 लाख रुपए का, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम अलाउबल रेमुनरेशन इन द एंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म 30 लाख रुपए जिसने प्रॉफिट कमाया है, बोनस सैलरी कमीशन रेमुनरेशन के नाम का, पार्टनरशिप फर्म को मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 20 लाख रुपए। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल प्रॉफिट कितनी है, 10 लाख रुपए। अच्छा, अब एक बात बताओ सर, पार्टनरशिप फर्म ने तो 15-15 लाख रुपए बांट दिए, अब पार्टनर्स के हैंड में क्या होगा। अच्छा, ए और बी, क्योंकि पार्टनरशिप हमने 15-15 लाख रुपए बांट दिए, अगर हम पार्टनर्स के हैंड में 15-15 लाख रुपए टैक्स कर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 लाख रुपए का डबल टैक्सेशन हो गया, तो इसलिए पार्टनर्स के हैंड में हम कितना टैक्स करेंगे, सिर्फ उतना ही जितना कि सेक्शन 40 बी के लिमिट में नहीं आता। तो इसका मतलब पार्टनर ए के हैंड में हम 10 लाख रुपए टैक्स करेंगे और पार्टनर बी के हैंड में भी हम 10 लाख रुपए टैक्स करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप हमको डिडक्शन अलाउड कितना है, 20 लाख रुपए का, पार्टनरशिप हमको डिडक्शन अलाउड कितना होगा, 20 लाख रुपए का। तो पार्टनर ए के हैंड में 10 लाख रुपए का टैक्सेशन और पार्टनर बी के हैंड में भी 10 लाख रुपए का टैक्सेशन, मतलब सेक्शन 28 कहता है कि पार्टनर ए के हैंड में सिर्फ हम उतना टैक्स करेंगे जितना पार्टनरशिप हमको डिडक्शन अलाउड हुआ, और जितना पार्टनरशिप हमको सेक्शन 40 बी की वजह से डिसअलाउड हो गया फिर उसे हम पार्टनर्स के हैंड में टैक्स नहीं करेंगे, वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्स हो जाएगा। तो ये जो 10 लाख रुपए हैं साहब, ये पार्टनर्स ए और बी के हैंड में टैक्स ना होके पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्स हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई, अदरवाइज यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो जाता है। ठीक, मुझे फिर टाइम पास नहीं करते, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा डियर, हमारे देश में ना, तो हमने आपके साथ देखा कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। सबसे पहले किसी भी तरह का प्रॉफिट या गेन फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन जो कि एसएससी कैरी करता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक बात है। दूसरा, एनी बेनिफिट या फिर परक्विजिट जो कि इन द नेचर है, जो कि आपको राइज होता है फ्रॉम एनी बिजनेस प्रोफेशन या फिर वोकेशन, ये बेनिफिट या परक्विजिट कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, मतलब दोनों में हो सकता है, कैश प्लस काइंड साथ में, ये हो सकता है कि मनी में कन्वर्टेबल हो या हो सकता है कि मनी में कन्वर्टेबल ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तीसरा, अगर आपको कोई पैसा मिलता है कि आप कोई बिजनेस एक्टिविटी ना करें तो वो जो पैसा होगा वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड कि अगर आपने कोई एसेट वगैरह सेल करके वो पैसा अगर आपको मिला है तो वो चला जाएगा आपके कैप गेन हेड में, अगर वो पैसा आपको मिला है फ्रॉम द यूएन ओजोन फंड तो वो पैसा फिर वो जो अमाउंट होगा फिर वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं कि अगर आप कुछ शेयर ना करें किसी के साथ, जैसे हमने आपके साथ बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल लिया था, तो अगर आपको कोई पैसे मिले कि आप इसको मतलब शेयर ना करें तो वो जो पैसा होगा वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट सैलरी बोनस रेमुनरेशन या फिर कमीशन वगैरह पे करेगी तो वो पार्टनरशिप फर्म उसका डिडक्शन क्लेम कर लेगी और पार्टनर्स के हैंड में वो सेक्शन 28 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू सेक्शन 40 भी लिमिटेशन। तो हमने आपके साथ अभी एग्जांपल देखा था, तो लेट्स से पार्टनरशिप हम 30 लाख रुपए पे करती है बट सेक्शन 40 क्लॉज भी कहता है कि हम आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही अलाउ करेंगे, तो पार्टनर्स के हैंड में सिर्फ 20 लाख रुपए टैक्स होगा, 30 लाख रुपए टैक्स नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स को अलाउड ही कितना हुआ है 20 लाख रुपए और पार्टनरशिप हम कितना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकती है 20 लाख रुपए। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास पीजीबीपी हेड में क्या क्या टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम एनी फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज ऑफ ट्रेड प्रोफेशनल या फिर सिमिलर एसोसिएशन। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो इन चीजों में हम आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे बाद में। डियर, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का मतलब होता है कि मैं खुद को ही पैसे कमा के नहीं दे सकता, और मैं खुद को ही अगर पैसे दे रहा हूं तो आप उस पर टैक्स कैसे ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर क्या कहना चाहते हो, डियर हमारे देश में ना बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन और इसी तरीके से मिलते जुलते एसोसिएशन जो कि मेंबर्स के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं, जिनमें उनके मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जो ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स के लिए ही फंक्शन करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो इन ट्रेड एसोसिएशंस को, इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस को जो कि अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने मेंबर्स के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं और मेंबर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो लेट्स से कि मैंने 10 लोगों मैं और मेरे 10 और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स मिलके हम लोगों ने ना एक एसोसिएशन बना लिया जिसका हमने नाम रख लिया लेट्स से सीए ग्रोथ या फिर सीए प्रोफेशन।
ठीक है, तो हम लोग उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो जो हमने एसोसिएशन बनाया है उसका पर्पस है कि वो हमारे लिए सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, वो हमारे लिए प्रोफेशनल चीजों को प्रमोट करता है। तो लेट्स से कि हम सबने मिलके लेट्स से पैसे कंट्रीब्यूट किए, लेट्स से कि हर एक मेंबर ने 5,000-5,000 रुपये साल के दिए, तो एसोसिएशन के पास लेट्स से 50,000 रुपये आ गए, बट एसोसिएशन ने पूरे साल जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह किए उसमें जो खर्चा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज हुआ। तो साहब सवाल बनता है कि क्या ये 10,000 रुपये लायबल टू टैक्स होगा? नहीं सर, हमने ही तो पैसा दिया और वो एसोसिएशन हम ही ने तो बनाया और वो एसोसिएशन हमारे लिए ही तो काम कर रहा है, तो हमारा पैसा आप हम ही पे इनकम मान के क्या आप उस पे मतलब टैक्स लगा सकते हो? इसका जवाब है नहीं। और ये बहुत हम कह सकते हैं कि पुराना प्रिंसिपल है जो कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक बात है। अच्छा, बट क्या देखा गया, बहुत ध्यान से मेरी बात को मतलब सुनेंगे, बट क्या देखा गया कि जो ट्रेड प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं जो कि म्यूचुअलिटी के नाम के या जो कि म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने इनकम को टैक्स फ्री बना रहे हैं, ये अपने ये नॉन मेंबर्स के लिए भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। ये नॉन मेंबर्स के लिए भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं पेड बेसिस पे। ठीक बात है, ये नॉन मेंबर्स के लिए भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं पेड बेसिस पे, और ये मेंबर्स के लिए जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं ये कुछ मेंबर्स को कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं पेड बेसिस पे। तो सेक्शन 28 अमेंड हुआ और उन्होंने कहा कि अगर ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन, ऑल्दो ये म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनके ऊपर टैक्स नहीं बनता, बट अगर ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये स्पेसिफिक सर्विसेज क्या है बेसिकली कि ये अगर नॉन मेंबर्स को सर्विसेज देंगे उससे अगर ये पैसा कमा रहे हैं तो वहां पे म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। और साथ में अगर ये अपने मेंबर्स को ही सर्विसेज दे रहे हैं बट कुछ खास मेंबर को कुछ खास प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं जो कि हर एक मेंबर के लिए नहीं है, तो वहां से जो पैसा कमाएंगे वो भी इनका लायबल टू टैक्स होगा। तो इसका मतलब अगर ये अपने मेंबर्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और ऐसी सर्विसेज के लिए जो ये सारे मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो साहब वो एग्जेम्प्ट हो जाता है म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से। इसके बाद हम आपके साथ करेंगे ट्रेड प्रोफेशन या सिमिलर एसोसिएशन के असेसमेंट में। ठीक बात है। तो हमने आपके साथ देखा डियर कि ये जितनी भी आपकी मतलब इनकम है ये सारी की सारी पीजीबीपी हेड में जाती है और ये पीजीबीपी हेड के अलावा कहीं और जा भी नहीं सकती थी। ठीक बात है। सेकंड जो हमने इसको क्लासिफाई किया डेट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब डियर ये जितने भी ये जो इंक्लूजन्स हुए हैं ये जितने भी सेक्शन 28 में ये जितने भी इनकम अब जाके टैक्स हो रहे हैं ये किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ये मतलब जितने भी ये इनकम है या जितने भी ये जो पैसे जो एसोसिएशन कमा रहा है ये सारे के सारे क्या है कैपिटल रिसिप्ट हेंस नॉट लायबल टू टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट ने उन सारे के सारे जजमेंट्स को ओवररूल किया और इन इनकम को भी एसोसिएशन का पीजीबीपी का इनकम बना दिया। तो साहब वो इनकम क्या क्या है मेरे साथ साथ देखेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंसेस। तो लेट्स से कि अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो लेट्स से अगर आपने एक्सपोर्ट किया अपने देश को फॉरेक्स कमा के दिया तो सरकार आपको क्या देती थी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंसेस की। ठीक है साहब, आप ना इतने अमाउंट का इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और एट अ रिड्यूस रेट। तो बहुत बार क्या होता था कि मैं उस इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंसेस से या तो मैं खुद के लिए ही मशीनें इंपोर्ट कर लेता था या मैं उस लाइसेंस को किसी और पार्टी को बेच देता था। तो लेट से सरकार ने मुझे 100 करोड़ रुपीज का फ्री इंपोर्ट एंटाइटमेंट लाइसेंस दे दिया कि साहब आप इससे ना 100 करोड़ रुपए तक की कोई भी मशीन या कोई भी मटेरियल वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और लेट से जो मुझे ड्यूटी पे करना था वो लेट से करना था 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। इसका मतलब मेरा 30 करोड़ रुपए सेव हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल इंपोर्ट नहीं करना इस लाइसेंस को, किसी और पार्टी को इसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने उस पार्टी को वो लाइसेंस बेच दिया। ठीक है, उस पार्टी को भी पता है कि उस लाइसेंस के थ्रू वो 30 करोड़ रुपए की ड्यूटी बचा लेगा। उस पार्टी ने मुझे उस लाइसेंस के बदले 20 करोड़ रुपए दे दिए कि ठीक है साहब 20 करोड़ आप कमा लो 10 करोड़ हम कमा लेंगे। तो मैंने उस लाइसेंस को बेच के 20 करोड़ रुपए कमा लिए। जो सरकार ने मुझे इंपोर्ट एंटाइटमेंट लाइसेंस दिया था उसको मैंने बेच के 20 करोड़ रुपए कमा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो पैसा होगा ये एसएससी का कैपिटल रिसिप्ट है, उस पे सरकार उस पे टैक्स नहीं बनेगा। सेक्शन 28 अमेंड हुआ और कहा कि अगर आप इंपोर्ट एंटाइटमेंट लाइसेंस को सेल करके कोई भी प्रॉफिट कमाओगे उस पे सेक्शन 28 तो वो जो अमाउंट है वो आपका सेक्शन 28 में लायबल टू टैक्स हो जाएगा। ठीक बात है। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और उस एक्सपोर्ट के बदले आपको सरकार से किसी भी तरीके का कोई भी कैश असिस्टेंट मिलता है, किसी भी तरीके का कोई भी कैश असिस्टेंस मिलता है तो वो जो भी कैश असिस्टेंस आपको मिला है वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। अगर आपको किसी भी तरीके का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, मीन्स आपने पहले ड्यूटी पे कर दी फिर आपको वो ड्यूटी अगर रिफंड वगैरह हो जाती है तो वो भी आपका पीजीबीपी हेड में लायबल टू टैक्स से कंसिडरिंग इट एज अ बिजनेस इनकम। ठीक है। चौथा, अगर आप
अगेन पैसे कमाते हो फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। कि साहब ये जो वो मतलब सर्टिफिकेट होते हैं जिसको यूज करके आप बिना ड्यूटी पे किए इंपोर्ट कर सकते हो, तो अगर आप खुद से इंपोर्ट करते हो तब तो कोई बात नहीं, अगर आप इस सर्टिफिकेट को सेल करके कहीं से पैसे कमा लेते हो तो वो जो पैसे आपने कमाए हैं वो आपका पीजी में भी हेड में टैक्सेबल है। दूसरा ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, तो इसमें ये होता है कि आप पहले मतलब ड्यूटी पे कर दो फिर इंपोर्ट कर लो, फिर आपको उस ड्यूटी का रिफंड हो जाता है। तो अगर आपने इस लाइसेंस को किसी और को सेल करके वहां से अगर आपने पैसे कमा लिए, डेट इज अगेन लायबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। और किसी जमाने में जैसे कि हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारे के सारे जो रिसिप्ट हैं ये आपके नॉन टैक्सेबल हैं, बट अब ये सारे के सारे टैक्सेबल। ठीक। अच्छा, तीसरा है कंपनसेशन रिसीव्ड। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ, अगर कोई भी पर्सन कोई भी कंपनसेशन रिसीव करता है, ध्यान दीजिए, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन मैनेजिंग अ बिजनेस फॉर द कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स से अगर आप किसी भी पर्सन का कोई भी बिजनेस वगैरह मैनेज कर रहे हैं, उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको वहां से लेट्स से कोई कमीशन या कोई रेमुनरेशन वगैरह मिलता है, तो उस पर्सन ने आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसके तहत आप उस पर्सन का बिजनेस मैनेज करते थे उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, या उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरीके से मॉडिफाई कर दिया जो कि आपके अगेंस्ट था बेसिकली, और उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन पे किया, तो वो जो कंपनसेशन का अमाउंट होगा वो आपके हैंड में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी जमाने में कि ये टैक्सेबल ही नहीं है, सेक्शन 28 अमेंड हुआ और सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कि साहब हम बताएंगे कि बॉस कौन है, और सरकार ने सेक्शन मतलब 28 में उसको टैक्सेबल बना दिया। ठीक बात है। अच्छा ध्यान दीजिए, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन मैनेजिंग एजेंसी फॉर बिजनेस ऑफ अनदर पर्सन फॉर कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए किसी भी तरीके का एजेंसी का कोई बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और उसके लिए बदले उसमें किसी भी तरीके का कोई कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बदले आपको किसी भी तरीके का जो कंपनसेशन मिलेगा वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर द कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है साहब। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टोयोटा मोटर्स इंडिया और एमआरएफ टायर्स, इन दोनों के बीच में एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेट्स से एमआरएफ टायर्स को हर महीने 10,000 टायर्स जो हैं वो टोयोटा मोटर्स इंडिया को सप्लाई करने थे। ठीक बात है। तो देयर इज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एमआरएफ टायर्स एंड टोयोटा मोटर्स इंडिया। अच्छा, अब क्या हुआ, टोयोटा मोटर्स इंडिया कहता है कि एमआरएफ से कि नहीं साहब हमें ना आपसे 8,000 टायर्स ही चाहिए हर महीने के, 10,000 टायर्स हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एमआरएफ क्या बोलेगा कि सर हमने तो 10,000 टायर्स आपको सप्लाई करना था, हमने तो उस हिसाब से अपनी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह उस हिसाब से अपनी फैक्ट्रीज वर्कर्स वगैरह सब अरेंज किए हुए, अब आप कह रहे हो कि हमें 8,000 टायर्स चाहिए, तो इसके लिए आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेट्स से टोयोटा मोटर्स उनको 100 करोड़ रुपीज कंपनसेशन देता है, तो एमआरएफ को ये जो पैसा मिला, ये जो कंपनसेशन मिला, ये किस लिए मिला, बिकॉज एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन है। तो अब ये जो एमआरएफ के लिए ये जो पैसा किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कैपिटल रिसिप्ट था इसलिए टैक्सेबल नहीं था, अब सरकार ने कहा सेक्शन 28 कमेंट करके कि चूंकि आपको कोई पैसे मिले हैं बिकॉज ऑफ अ मॉडिफिकेशन इन द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, हेंस दैट अमाउंट इज लायबल टू टैक्स ऑन दैट पीजीबी। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी या बिजनेस। अब किसी जमाने में ना हमारे देश में ना एक ड्राइव चली थी जिसका नाम था नेशनलाइजेशन। तो आपको पता है कि हमारे देश में जो है जितने भी बैंक्स थे वो प्राइवेट थे, उसको फिर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इवन एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया, LIC किसी जमाने प्राइवेट कंपनी थी उसको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, तो लेट्स से कि आप कोई बिजनेस वगैरह रन करते हैं या आपके पास किसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट है, वो राइट सरकार ने आपसे छीन लिया, मीन्स वो राइट आपको सरकार को देना पड़ गया या सरकार की किसी कंपनी को देना पड़ गया, तो उसके बदले आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो कंपनसेशन भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर विस्टिंग टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एनी मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस, तो उसके बदले जो आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा डेट इज अगेन टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। अच्छा, तो आगे लास्ट में कुछ और इंक्लूजन हैं जो कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होते हैं एज पर सेक्शन 28। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, एनी सम रिसीव्ड ऑन कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अगर कंपनी को अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम का कोई पैसा वगैरह मिलता है तो वो कंपनी के पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अब साहब ये कीमेन इंश्योरेंस क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखेंगे मेरे साथ साथ डील, व्हाट इज द कीमेन इंश्योरेंस स्टफ,
होता क्या आइडिया कि किसी भी कंपनी के लिए ना कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आप कीमेन कह सकते हो, जिसकी वजह से कंपनी चल रही होती है बेसिकली। अच्छा, तो जैसे मोस्ट प्रोबेबली कंपनी के जो सीईओज होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बार कंपनी के जो सीएफओज होते हैं, जो सीटीओज होते हैं, वो बहुत बार उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो जो कीमेन होते हैं, अगर ये रिटायर हो जाते हैं या ये कंपनी छोड़ देते हैं या इनका किसी वजह से कोई डेथ वगैरह हो जाता है, तो कंपनी जो है वो अच्छे खासे नुकसान में जा सकती है, कंपनी अच्छे खासे ट्रबल में जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए कंपनी जो है वो इंश्योरेंस ले लेती है, जिसको क्या मतलब जिसे कहा जाता है कीमेन इंश्योरेंस। तो लेट्स से कि मिस्टर ए इज अ सीईओ ऑफ ए लिमिटेड, तो सो मान लीजिए दिस इज ए लिमिटेड और इसके सीईओ है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इज अ सीईओ और चूंकि कंपनी को ही वही रन कर रहे होते हैं, मतलब वही रन कर रहे हैं, तो इसलिए लेट्स से कंपनी को कीमेन मानती है कि साहब बिना मिस्टर ए के हमारा काम नहीं चलेगा। तो कंपनी ने क्या किया, किसी इंश्योरर से, वो इंश्योरर LIC भी हो सकता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, उनसे मिस्टर ए के लिए इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस ले लिया किस 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 नाम पे, कीमेन इंश्योरेंस के नाम पे, कि साहब ही इज आवर कीमेन, तो अगर ये कंपनी छोड़ के जाते हैं या इनकी डेथ वगैरह हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जिसकी वजह से अगर ये हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें उसके बदले कंपनसेट करोगे। ठीक बात है। अब होगा क्या, कंपनी अब इस इंश्योरेंस को लेगी तो कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो कंपनी जो कीमेन इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी मिस्टर ए के लिए टू द इंश्योरर, वो कंपनी उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है, कंपनी इज अलाउड द डिडक्शन ऑफ द सेम। ठीक बात है। अच्छा, अब कंपनी जो प्रीमियम पे कर रही है, कंपनी को उसका डिडक्शन अलाउड है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, लेट्स से इन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है जहां पर मिस्टर ए कंपनी के लिए काम नहीं कर पाया, उनकी डेथ वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो कंपनी जो अमाउंट पे करेगी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट पे करेगी, दो लोगों को पे करेगी, एक तो साहब ये ए को पे करेगी, एल जो कि जिस कंपनी ने इंश्योरेंस लिया था, और दूसरा ये मिस्टर ए को पे करेगी, मतलब इंप्लॉय को पे करेगी। अच्छा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनी को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो ए लिमिटेड को अमाउंट पे करेगी, वो ए लिमिटेड के लिए सेक्शन 28 में PGBP की इनकम बन जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, देखेंगे वो ए लिमिटेड के लिए PGBP की इनकम बन जाएगा, मींस एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस इन सच पॉलिसी, वो ए लिमिटेड के लिए PGBP की इनकम बन गया। तो लेट्स से इंश्योरर ने ए लिमिटेड को कोई भी पैसे दिए कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे, चाहे वो कंपनसेशन हो चाहे वो बोनस हो कुछ भी हो, वो ए लिमिटेड के लिए PGBP की इनकम बन गया, मतलब वो सेक्शन 28 में चला गया। अब इंश्योरर जो मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, तो साहब वो फिर कहां पे जाके मतलब टैक्स होगा, अगर मिस्टर ए एम्प्लॉय है ए लिमिटेड के, तब तो वो सैलरी हेड में चला जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, मतलब उन्होंने जॉब छोड़ दी वगैरह, उस केस में वो उनके अदर सोर्सेज हेड में चला जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते आपका। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, बहुत बार क्या होता है डियर, जो कंपनी के पास स्टॉक एंड ट्रेड होता है, कंपनी उसको कैपिटल एसेट की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देती है। सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी? अच्छा, दो चीजें होती है मेरे साथ, देखेंगे। एक होता है कैपिटल असेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करना, तो आपके पास कोई कैपिटल असेट था, आपने उसको स्टॉक एंड ट्रेड में कंसीडर करना शुरू कर दिया, यू हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग इट एज अ स्टॉक एंड ट्रेड, तो इसके बारे में जो टैक्स ट्रीटमेंट है ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में। बहुत बार होता है कंपनी अपने स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देती है, तो सर स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये डियर कि जब आप स्टॉक एंड ट्रेड को सेल करते हो, जब आप स्टॉक एंड ट्रेड को सेल करते हो, तो पीजीबीपी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना का मतलब करना होता है, और जो कि हायर मतलब टैक्स रेट होता है, जब क्योंकि किसी भी तरीके का कोई कंसेशनल टैक्स रेट नहीं है। बट अगर आप कैपिटल असेट को सेल करते हो, तो अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो वो जनरली 20% पर टैक्स होता है, साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। ठीक बात है। तो स्टॉक एंड ट्रेड को अगर आप सेल करते हो, तो किसी भी तरीके का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं, और जो टैक्स रेट होता है वो यूजुअली ज्यादा होता है। तो बहुत बार एसएससी क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक एंड ट्रेड को ना कैपिटल असेट की तरह से ट्रीट करते हैं, फिर उस कैपिटल असेट को आगे सेल कर देते हैं, ताकि उनको एक तो सबसे पहली बात तो साहब जो रेट ऑफ टैक्स वो कम हो जाता है, और दूसरा इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, और तीसरा कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, जैसे सेक्शन 54 सीरीज में, जिसका वो बेनिफिट लेने का प्रयास करते हैं। तो जब आप अपने स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो, तो उसकी वजह से जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल, मतलब पीजीबीपी हेड में लायबल टू टैक्स होगा सेक्शन 28 के हिसाब से। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, जब आप स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा। ठीक बात है। तो उससे भी जो प्रॉफिट, उससे भी जो इनकम होगी, वो भी पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगी सेक्शन 28 के हिसाब से। ठीक है। अच्छा,
लास्ट में अगर सेक्शन 35 ईडी का कोई एसेट है, आपको पता है डियर, हम आपके साथ थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि सेक्शन 35 ईडी जो है ना वो 100% का डिडक्शन अलाउ कर देता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ। तो अगर आपने उस एसेट को सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, स्क्रैप कर दिया और वहां से अगर आपको कुछ भी पैसे मिलते हैं वो सेक्शन 28 में लायबल टू टैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके पीजीबी हेड में ही लायबल टू टैक्स होता है। पर चलो फिर टाइम पास नहीं करते, जब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एनी सम रिसीव्ड रिसीवेबल इन कैश इन काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सच कैपिटल एसेट हैज बीन अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, तो वो जो उसको जो उससे भी जो प्रॉफिट आएगा, मतलब उससे भी जो अमाउंट आएगा वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा डियर फ्रेंड्स, एक ना स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, जिसके लिए हमने एक सेपरेट एक पोर्शन बनाया हुआ है। तो अगर कोई पर्सन अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस कर रहा है तो उसको उसके रेगुलर बिजनेस से डिस्टिंक्ट या सेपरेट माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेसेस का क्लासिफिकेशन शुरू हो गया। तो अच्छा, बिजनेसेस का क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, एक बन गया स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो ऑब्वियसली अगला क्या बन जाएगा, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो क्या दोनों का टैक्स रेट अलग अलग है? नहीं सर, दोनों का टैक्स रेट सेम है। दोनों का क्या कंपटीशन का मेकानिज्म अलग अलग है? नहीं सर, दोनों का कंपटीशन का मेकानिज्म भी सेम है। तो फिर सवाल बनता है, तो फिर स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव को अलग अलग क्यों किया गया? इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, ये दूसरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो दूसरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई एग्जाम्पल है साहब कि आप स्टॉक मार्केट में सट्टा खेल लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, और जो आपने मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉफिट कमाया, जिस पे सरकार को आपको जिसका टैक्स देना था, असेसी ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में सट्टा लगा के जुआ खेल लिया और वहां से लॉस उसको हो गया और वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट वो उससे मतलब सेट ऑफ कर ले। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती, सरकार कहती है कि अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, इसको आप किसी दूसरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, इसको आप नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, आप इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो, इसकी बाद में करेंगे। और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो होता है डियर, वो मैक्सिमम 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेक्शन 72 के हिसाब से, इसकी भी बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस के लॉसेस का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, इसलिए स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस को हम देखते हैं कि सेपरेट तरीके से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, वेयर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन कैरियड ऑन बाय द एसएससीआर ऑफ सच नेचर सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस, द बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। तो इसको आप सेपरेट बिजनेस मान के अलग से कंसिडर करेंगे, इसलिए नहीं कि इसका रेट ऑफ टैक्स अलग है या इसका जो है साहब वो प्रॉफिट है इसमें जो है वो कॉम्पिटिशन का मेकानिज्म अलग है, जस्ट बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस ऑफ मतलब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड इसका अलग तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी और बातें हम मतलब मेरे साथ साथ देख लें। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड शैल बी टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम। ध्यान दीजिएगा डियर, जैसे कि हमने आपके साथ पहली क्लास में बात की थी कि पहले ना 6 हेड ऑफ इनकम होते थे, तो एक और हेड होता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के नाम का। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हट गया, सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 21 तक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक सेपरेट हेड के फॉर्म में हट गया। पर जो भी इंटरेस्ट होता है उन सिक्योरिटीज, तो अगर आप उन सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या अगर आप उस सिक्योरिटी को स्टॉक एंड ट्रेड के फॉर्म में रखते हैं, तो अगर आप उस सिक्योरिटी को स्टॉक एंड ट्रेड के फॉर्म में रखते हैं तो जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस इनकम की तरह से कंसिडर होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखते हैं तो वो यूजुअली अदर सोर्सेस में चला जाता है, ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड एज अ स्टॉक एंड ट्रेड, तो अगर आप सिक्योरिटीज को अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से रखते हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट मिल गया तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्स अंडर द अदर सोर्सेज, तो अगर आप शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड के फॉर्म में रखते हैं, किसी भी पर्पस के लिए रखते हैं, शेयर्स को आप किसी भी पर्पस के लिए रखें, उन शेयर से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो हमेशा अदर सोर्सेज में जाएगा, वो कभी भी पीजीबीपी हेड में नहीं जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, इसी तरीके से विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अगर आपने लॉटरी, कार्ड गेम या
हॉर्स रेस से कोई भी अगर आपने पैसा कमाया तो वो हमेशा अदर सोर्सेस में टैक्स होता है। भले आप सरकार को ये बोल के थक जाओ, डिपार्टमेंट को ये बोल के थक जाओ कि लॉटरी खेलना तो मेरा बिजनेस है, लॉटरी खेलना मेरा पेशा है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो सबसे पहले लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ, बिकॉज दैट इज माई बिजनेस, इसलिए लॉटरी से जो भी इनकम आती है वो मेरी बिजनेस इनकम होनी चाहिए। तो सरकार बोलेगी ऐसा नहीं होगा साहब, ये अदर सोर्सेस की इनकम है और इसके लिए अलग से रेट ऑफ टैक्स वगैरह मेंशन है। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं कुछ बेसिक सी बातें। चलो ये सारी बातें तो उसने हो गई। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट इसमें केस लॉ है जिसका नाम है के एंड कंपनी 2014 दिल्ली हाई कोर्ट। और डियर फ्रेंड्स, अभी तो अभी नवंबर अभी जो नवंबर में जो भी जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2023, उसमें ये वाला केस लॉ आ गया था। सो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जो भी केस लॉज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको करके जाने चाहिए। अच्छा, तो याद करिए, हमने कहा कि किसी भी तरीके का बिजनेस अगर आप करते हैं, आप प्रोफेशन करते हैं या वोकेशन करते हैं, उससे जो भी आपको आता है प्रॉफिट या फिर गेन, वो आपकी पीजीबीपी का पार्ट होता है, मतलब वो आपका बिजनेस इनकम बनता है। ठीक बात है। जैसे कि हमने आपको बार बार कहा कि एसएससी के पास अगर ऑप्शन हो कि वो अपने किसी पर्टिकुलर इनकम को पीजीबीपी हेड में कंसिडर करना पसंद करेगा, हाउस प्रॉपर्टी में या फिर इवन अदर सोर्सेस में, तो एसएससी हमेशा क्या कोशिश करेगा कि वो उस इनकम को पीजीबीपी हेड में लेके चला जाए। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप बैंक में कोई पैसा वगैरह डिपॉजिट करते हैं, कोई एफडी वगैरह करते हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है, बैंक एफडी का जो इंटरेस्ट वगैरह आता है डियर, वो अदर सोर्सेस में जाता है। मतलब अगर आपने कोई एफडी वगैरह कराई या अगर आपने बैंक में कोई पैसे वगैरह डिपॉजिट कराए, अगर आपने कोई एफडी वगैरह की या आपने बैंक में कोई पैसे वगैरह अगर आपने कोई बैंक में पैसे वगैरह डिपॉजिट किए, ठीक बात है, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है ना, वो जो इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो वो अदर सोर्सेस में जाता है। ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, अगर लेट से कि आपने जो डिपॉजिट किया है, और अगर आपने कोई पैसे अगर आपने डिपॉजिट किए हैं, वो डिपॉजिट आपने वॉलंटरली अपने मन से नहीं किया, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे और उस बिजनेस को करने की एक रिक्वायरमेंट थी, उस बिजनेस में एंटर होने की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको इतने पैसे बैंक डिपॉजिट करके हमें उसका गारंटी देनी पड़ेगी। ध्यान से, लेट से कि मैं कोई लॉटरी का बिजनेस वगैरह करता हूँ या मैं किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करता हूँ जहां पे उस बिजनेस को करने की रिक्वायरमेंट है कि मुझे लेट से 50 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट करके मुझे इस बात करके मुझे मतलब 50 लाख रुपए मुझे बैंक में डिपॉजिट करा के मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये जो डिपॉजिट है ये मैंने अपने मन से वॉलंटरली नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं वो बिजनेस करना चाहता हूं और उस बिजनेस को करने की ये प्राइम रिक्वायरमेंट है या एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो अब सवाल बनता है कि मैंने जो बैंक डिपॉजिट किया होता है लेट से वॉलंटरली अपने मन से अपने सरप्लस फंड का, तब तो उसका इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेस में चला जाता, बट यहाँ पे जो मैंने बैंक डिपॉजिट किया है, ये बैंक डिपॉजिट डायरेक्टली लिंक्ड है विद द बिजनेस एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे केस में कहा है कि अगर कोई डिपॉजिट वगैरह आप कर रहे हैं और वो डिपॉजिट किसी बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, उस केस में जो बैंक डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होगा वो आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा, अदर सोर्सेस में नहीं जाएगा। ठीक है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, द इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द डिपॉजिट मेड बाय द एसएससी इज लिंक्ड टू हिज बिजनेस, द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट वाज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी व्हिच वाज नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एसएससी। यहां पे एसएससी सरकार से परमिशन मांग रहा था कि उसे लॉटरी का बिजनेस करने का परमिशन मिले। सरकार ने कहा कि आपको हमें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और उस बैंक गारंटी के लिए जरूरी था कि एसएससी को कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ते। एसएससी ने वो पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए और वहां से उसे इंटरेस्ट मिला। अब मतलब डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब ये तो बैंक डिपॉजिट है, उसका जो इंटरेस्ट अदर सोर्सेस में जाएगा। और यहां पे सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा चूंकि ये बैंक डिपॉजिट एसएससी ने अपनी मनमर्जी से नहीं कराया था, बैंक डिपॉजिट एसएससी ने बैंक गारंटी के लिए कराया था और वो बैंक गारंटी जरूरी थी उस लॉटरी के बिजनेस के लिए, इसलिए वो जो इंटरेस्ट है उस बैंक डिपॉजिट का वो पीजीबीपी हेड में जाएगा, ना कि अदर सोर्सेस। अच्छा, इफ द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड द बैंक गारंटी इट वुड नॉट हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रनिंग द लॉटरी, हेंस द इंटरेस्ट इनकम ऑन द मार्जिन मनी इज पीजीबीपी। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो डियर, हमने आपके साथ देखा पीजीबीपी का इंट्रोडक्शन, हमने आपके साथ देखा और हमने आपको ये भी बताया है कि पीजीबीपी जो हेड है वो सबसे ज्यादा प्रकार के खर्चे अलाउ करता है और जो भी खर्चे पीजीबीपी हेड अलाउ करता है वो सेक्शन 30 से लेकर 36 में स्पेसिफिकली मेंशन है और सेक्शन 37 में जो भी रेसिडुअल एक्सपेंसेस है वो मेंशन है। इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट एक्सपेंस होता है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, वो सेक्शन 32 में मेंशन है। अच्छा, तो हम आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से खर्चे पीजीबीपी हेड में मेंशन है। सबसे पहले आता है रेंट,
रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर रहे हैं, तो साहब किसी तो किसी बिल्डिंग किसी प्रीमाइसेस में ही कर रहे होंगे, उस प्रीमाइसेस के लिए आपको हो सकता है रेंट पे करना पड़ता हो, रेंट्स पे करने पड़ते हो, रिपेयर्स टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ती हो, इंश्योरेंस पे करना पड़ता हो, तो वो खर्चे आप कैसे क्लेम करेंगे, सेक्शन 30 डील करता है। अच्छा, तो लेट्स से कि मैं कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा हूं और मैं किसी प्रीमाइसेस में कर रहा हूँ साहब, मैं खुले आसमान के नीचे हो सकता है पॉसिबिलिटी ना कर रहा हूं। अच्छा, तो जो प्रीमाइसेस है इसको मैं दो तरीके से ऑक्यूपाई कर सकता हूं। मैं इसको ऑक्यूपाई कर सकता हूं एज अ ओनर और मैं इसको ऑक्यूपाई कर सकता हूं एज अ टेनेंट, मतलब एज अ पेइंग गेस्ट बेसिकली, कि मैंने उसको रेंट पे या फिर लीज पे लिया होगा। अच्छा, इस प्रीमाइसेस के लिए हो सकता है रेंट हो, रेट्स हो, टैक्सेस हो लोकल गवर्नमेंट्स के, इंश्योरेंस वगैरह हो प्रीमाइसेस की सिक्योरिटी, फायर से मतलब फायर इंश्योरेंस वगैरह। अच्छा, अगर मैं इस प्रीमाइसेस को एज अ ओनर ऑक्यूपाई करता हूं, मेरे शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस प्रीमाइसेस को एज अ ओनर ऑक्यूपाई करता हूं तो मुझे नॉशनल रेंट अलाउड नहीं होगा कि मैं खुद को ही रेंट पे करके उसका डिडक्शन क्लेम कर लूं, ऐसा साहब नहीं चलेगा। अगर मैं इस प्रीमाइसेस को एज अ ओनर ऑक्यूपाई करता हूं तो मुझे हाँ इवन एक और चीज रहेगी, रिपेयर्स, प्रीमाइसेस का रिपेयर वगैरह करना पड़ सकता है। अच्छा, तो अगर मैं इस प्रीमाइसेस को एज एन ओनर ऑक्यूपाई करता हूं तो मुझे इसका नॉशनल रेंट अलाउड नहीं होगा। हाँ, मुझे रेट्स अलाउड होंगे जो मुझे म्युनिसिपैलिटी वगैरह लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, मुझे जो भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं टू द लोकल गवर्नमेंट वो अलाउड होंगे। अगर मैंने इस प्रीमाइसेस के सिक्योरिटी के लिए, इस प्रीमाइसेस को सिक्योर रखने के लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया है तो जो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा मुझे वो भी अलाउड होगा और मुझे उसका रिपेयर का खर्चा भी अलाउड होगा। सर, रिपेयर तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके कैपिटल नेचर का रिपेयर और दूसरा हो सकता है रेवेन्यू नेचर का रिपेयर। रिपेयर दो तरीके का हो सकता है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो मुझे कौन से नेचर का रिपेयर अलाउड होगा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिपेयर। तो सर, ये रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का रिपेयर बिल्डिंग के केस में क्या होता है, इसकी बात हम आपके साथ करते हैं। अच्छा, मैंने क्या ऑन किया हुआ है, कोई प्रीमाइसिस या कोई बिल्डिंग, और लेट्स से कि अगर मैं इस बिल्डिंग या प्रीमाइसेस को एज अ टेनेंट ऑक्यूपाई करता हूं, मींस मैं इसका ओनर नहीं हूं, तो मुझे क्या क्या खर्चे अलाउड होंगे। मुझे रेंट अलाउड हो जाएगा क्योंकि साहब मुझे किसी को पे करना पड़ रहा है, मुझे रेट्स अलाउड हो जाएंगे, मुझे टैक्सेस अलाउड हो जाएंगे, मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड हो जाएगा और मुझे रिपेयर अलाउड हो जाएगा। बट कौन सा रिपेयर, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिपेयर। और रिपेयर मुझे कब अलाउड होगा, जब मैंने उस रिपेयर को करना एग्री किया है, मींस आई हैव अग्रीड टू बियर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। और मैं कहां एग्री करूंगा, जो रेंट एग्रीमेंट या जो लीज एग्रीमेंट होगा बिटवीन मी एंड द ओनर। ठीक बात है, तो मुझे रेवेन्यू नेचर का रिपेयर अलाउड हो जाएगा इफ आई अग्रीड टू बियर इट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो अगर मैं उस प्रीमाइसिस को एज अ ओनर ऑक्यूपाई करता हूं तो मुझे खुद को ही पे किया जाने वाला रेंट अलाउड नहीं होगा, मींस मुझे नॉशनल रेंट अलाउड नहीं होगा। बट लेट्स से कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं भी एक पार्टनर हूं और वो पार्टनरशिप फर्म को मैंने अपनी ही बिल्डिंग दी हुई है कि साहब आप इस पे अपना बिजनेस करो, और पार्टनरशिप फर्म मुझे ही रेंट पे कर रही है, तो उस केस में वो अलाउड है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, आप एक सेपरेट एंटिटी हैं, आपने पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रीमाइसेस किराए पे दिया हुआ है और पार्टनरशिप फर्म अगर कोई रेंट पे कर रही है तो पार्टनरशिप फर्म उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है। बट अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, आप खुद को ही रेंट पे कर दो और उसका डिडक्शन क्लेम कर लो, मतलब करना चाहो साहब, तो फिर ये हालात नहीं चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो रेंट का हमने देखा, रेट्स टैक्सेस आपको अलाउड है एज एन ओनर, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है। हाँ, एक और छोटी सी बात, जो रेट्स या फिर मतलब टैक्स वगैरह होते हैं जो कि आप लोकल गवर्नमेंट को एमसीडी वगैरह को पे करते हैं, तो ये आपको तब अलाउड होंगे जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे। सेक्शन 43 भी कहता है कि आप इसका एक्चुअल बेसिस पे इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, मीन्स ड्यू बेसिस पे आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा, मीन्स देयर शैल बी द एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक बात है। अच्छा, 43 भी कहता है एक्चुअल पेमेंट करो। चले, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अगर आप उस प्रीमाइसेस को सिक्योरिटी के लिए, उसमें फायर सेफ्टी या जो भी है उसका मतलब डैमेज वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अच्छा, रिपेयर्स की बात करते हैं, तो बीइंग एन ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस आप दो तरीके के रिपेयर्स कर सकते हैं, एक हो सकता है रेवेन्यू नेचर और एक हो सकता है कैपिटल नेचर। तो सर, ये दोनों रिपेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स से मेरा जो प्रीमाइसेस है वो लेट्स से दो फ्लोर का है, मैंने एक ऐसा रिपेयर कर दिया कि इसमें एक और फ्लोर मैंने ऐड करवा दिया, तो मुझे बताएं दो फ्लोर के घर को मैं रिपेयर करके क्या तीसरा फ्लोर बनवा सकता हूं? नहीं सर, ये कोई रिपेयर नहीं है, ये तो आपने उस घर की कैपेसिटी बढ़ा दी,
आपने उस प्रिमाइसेस की कैपेसिटी बढ़ा दी, तो इसको आप रेवेन्यू नेचर का रिपेयर एटलीस्ट नहीं बोल सकते। रेवेन्यू नेचर का रिपेयर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है, मेरे पास एग्जिस्टिंग एसेट कितना था सर, दो फ्लोर का घर, उस दो फ्लोर के घर को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता वो रेवेन्यू रिपेयर कहलाता। मतलब दो फ्लोर के घर को मेंटेन करने के लिए जो टू स्टोरी बिल्डिंग वो अपनी कैपेसिटी में, अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम करे, उसके लिए जो मैंने खर्चा किया होता, मैंने पेंट करवाया होता है, जो कहीं से टूट फूट हो गई है, कहीं से प्लास्टर क्रैक हो गया है, मैंने वो ठीक करवा दिया होता, कुछ बिजली के वायर वगैरह चेंज वेंज जो भी होता है वो मैंने अगर कर दिए होते, तो ये खर्चा मेरा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट मैंने क्या किया, मैंने दो फ्लोर के घर में एक और फ्लोर ऊपर बनवा दिया मैंने, तो फिर आप इसको रेवेन्यू नेचर का रिपेयर नहीं बोल सकते साहब। तो फिर ये जो तीसरा फ्लोर बनवाने का जो खर्चा है, डेट इज नॉट अ रेवेन्यू रिपेयर, तो इसलिए आप इसका डिडक्शन सेक्शन 30 में क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर सर इसका क्या होगा, इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। अच्छा, लेट्स से कि आप बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज अ टेनेंट, मीन्स किराएदार, मीन्स रेंट में आपने लिया हुआ है, तो आपको रेंट अलाउड है, जो आप रेंट पे कर रहे हैं टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग वो अलाउड है। सर एक बात बताओ, मैंने ना बिल्डिंग ना दो फ्लोर की बिल्डिंग मैंने किराए पे ली भी है, और मैं लेट्स से 50,000 रुपये हर महीने रेंट देता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा काम एक फ्लोर से ही हो जाएगा, मैंने ना एक फ्लोर किसी और को सबलेट कर दिया 30,000 रुपये में, अब क्या होगा, तो आप 30,000 रुपये रेंट का कमा रहे हो और आप 50,000 रुपये सामने वाली पार्टी को रेंट का पे कर रहे हो। तो अब इसके दो ऑप्शन हो सकते थे, पहला क्या, आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम करो, 30,000 का इनकम दिखा दो, बट लॉ कहता है ऐसा नहीं, अगर आप पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस सबलेट कर रहे हो और दूसरा आप रेंट पे कर रहे हो, तो सबलेट करके जितना रेंट मिला उसको जो आप रेंट पे कर रहे हो उसमें से माइनस करो और बैलेंस आप रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब क्या हुआ साहब, कि मैं 50,000 का रेंट पे कर रहा हूं और 30,000 रुपये मैं बिल्डिंग को सबलेट करके कमा रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये रेंट के नाम का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। ठीक बात है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं रेंट। अच्छा रेंट की बात तो कर ली हमने डियर, तो इसके बाद है रेट्स और टैक्सेस। तो रेट्स और टैक्सेस, अगर आप प्रीमाइसेस को अगर आप ऐसा टेनेंट भी ऑक्यूपाई करते हैं, अगर आप पे कर रहे हैं आप उसको क्लेम कर लें सेक्शन 43B के हिसाब से, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं आप वो क्लेम कर लें, आप रिपेयर कर रहे हैं तो साहब रिपेयर अगेन दो तरीके का हो सकता है, रेवेन्यू नेचर और फिर कैपिटल नेचर। अगर आपने रिपेयर के खर्चे को बियर करना एग्री किया हुआ है, आपने उस रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ रिपेयर को बियर करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है रिपेयर जो होता है ना वो उस प्रीमाइसेस का ओनर कराता है, अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं साहब रिपेयर मैं ही कराऊंगा, बिंग दी, मतलब आपने उसको रेंट पे लिया हुआ है, आपने एग्री किया हुआ है कि मैं ही रिपेयर कराऊंगा, तब तो आप रिपेयर का खर्चा भी क्लेम कर लो। बट रिपेयर कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। अब सर एक बात बताओ, मैंने प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया बट रेंट एग्रीमेंट में ना मैंने ये क्लॉस डलवाना मैं भूल गया, या ओनर ने ये क्लॉस अलग से नहीं मतलब पुट किया था कि रिपेयर का खर्चा जो है वो मैं बेयर करूंगा, अब मैं ओनर के पास जाता हूँ कि यार प्रीमाइसेस का रिपेयर करा दो, ओनर मना कर देता है, तो मुझे चूंकि अपना बिजनेस करना है तो मुझे उसका रिपेयर कराना पड़ गया, तो क्या अब ये खर्चा मुझे अलाउड नहीं होगा, चूंकि मैंने स्पेसिफिकली तो उस रेंट एग्रीमेंट में बियर नहीं, मतलब रेंट एग्रीमेंट में मैंने अपने आप को इसके लिए बाउंड नहीं किया था कि मैं रिपेयर का खर्चा बियर करूंगा, तो क्या होगा, तो डियर सेक्शन 30 तो उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 30 कहता है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ द रिपेयर को अगर आप एग्री करना स्पेसिफिकली बियर करते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ आप इसको सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं, तो आप रिपेयर के खर्चे को सेक्शन 37 में क्लेम कर लेना, प्रोवाइडेड कि वो रेवेन्यू नेचर का रिपेयर हो। ठीक बात है। अच्छा अब सर एक बात बताओ, मैंने कोई प्रीमाइसेस लिया रेंट पे, दो फ्लोर का प्रीमाइसेस था, मैंने ना एक और फ्लोर बनवा दिया, मैंने उसके ओनर को कहा कि यार एक और फ्लोर बनवा दो, ओनर ने कहा कि मैं नहीं बनवाऊंगा आपको बनवाना है आप अपने हिसाब से बनवा लो, मैंने एक और फ्लोर बनवा दिया, तो क्या मैं इसको रिपेयर बोलूं, नहीं साहब दिस इज दी कैपिटल नेचर, तो आप इसको कैपिटल नेचर का सो डेट इज बेसिकली द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिपेयर में नहीं आएगा बिकॉज रिपेयर यूजली मीन्स रेवेन्यू नेचर का रिपेयर। ठीक है, तो सर फिर इसका क्या होगा, तो मेरे साथ साथ देखिए, अगर बिल्डिंग के केस में कोई कैपिटल नेचर का रिपेयर किया गया, मतलब कैपिटल नेचर का रिपेयर बोले तो एक और फ्लोर ही बनवा दिया गया या दो तीन नए रूम बनवा दिए गए या कुछ और कैपिटल नेचर का कंस्ट्रक्शन करा दिया गया, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा तो लेट्स से कि आप जो प्रीमाइसेस हैं आप उसके ओनर हैं और दूसरा आप उसके क्या हो सकते हैं, टेनेंट हो सकते हैं। अच्छा तो लेट्स से कि इस नए फ्लोर को बनवाने में आपने 25,00,000 रुपये लगा दिया, तो ओनर क्या करेगा, अगर आप इस प्रीमाइसेस के ओनर हैं तो आप इस 25,00,000 रुपए को अपने बिल्डिंग ब्लॉक के जो ब्लॉक ऑफ असेट जो आपके पास है, जो इस बिल्डिंग में जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं,
इस बिल्डिंग ब्लॉक के, इस बिल्डिंग ब्लॉक, हाँ एक और छोटी सी बात रहेगी डेप्रिसिएशन की, तो अगर आप ओनर हैं तो आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, बट अगर आप टेनेंट हैं साहब तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप टेनेंट हैं तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, आप उसके बदले रेंट पेमेंट क्लेम कर सकते हैं, ठीक बात है जी। तो जो बिल्डिंग का ब्लॉक है बिंग दी ओनर जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, आप 25 लाख रुपए बिल्डिंग के कॉस्ट के WDV में ऐड कर दो और फिर आप इंक्रीज्ड अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो लेट से बिल्डिंग के WDV 60 लाख रुपए की थी, 25 लाख का आपने तीसरा फ्लोर आपने मतलब बनवा दिया, तो आप एडिशन इन एसेट के नाम पे 25 लाख रुपए उस WDV में ऐड कर दो, फिर आप 85 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, ठीक बात है। मीन्स वन गो में आपको अलाउड नहीं होगा, आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। दूसरा, अगर आप इसके टेनेंट हैं तो क्या होगा, अगर आप इसके टेनेंट हैं और अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, तो आप चूंकि टेनेंट है आपके पास तो कोई मतलब बिल्डिंग का ब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई मतलब डेप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रहा। तो इस 25 लाख रुपए के स्ट्रक्चर को आप डिम्ड बिल्डिंग मान लो, और डिम्ड बिल्डिंग मान के आप एक ब्लॉक बना दो और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। मीन्स आप उस डिम्ड बिल्डिंग के ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो और आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक बात है डियर। तो ये सारी बात हमने आपके साथ देख ली। अच्छा, रिपेयर्स रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। अच्छा, आगे आते हैं सेक्शन नंबर 31, देखेंगे रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन 33 ईयर वो डील करता था बिल्डिंग के लिए, सेक्शन 31 डील करता है मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर के लिए। तो अगर मैं मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर की बात करूं तो इसमें क्या क्या मेन खर्चे होते हैं, इसमें मेन खर्चे क्या क्या होते हैं, अगर मैं बात करता हूं मशीन की और प्लांट की बेसिकली, तो साहब इसके एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, दूसरी इसको डैमेज वगैरह से बचाने के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तीसरी रिपेयर का खर्चा होता है। अच्छा, इसका मतलब रिपेयर का खर्चा होता है, तो आपको ये सारे के सारे खर्चे अलाउड है, आपको ये सारे के सारे खर्चे अलाउड हैं। जहां तक रिपेयर का सवाल है, जहां तक मतलब रिपेयर का सवाल है, तो रिपेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट नेचर का रिपेयर, जिसको हम रेवेन्यू नेचर का रिपेयर बोलते हैं, सिर्फ वो अलाउड होगा। कैपिटल नेचर का रिपेयर आपको अलाउड नहीं होगा। कैपिटल नेचर के रिपेयर को आपको अगेन एक कैपिटल असेट मान के उस मशीन प्लांट या फर्नीचर के ब्लॉक में लेके जाना पड़ेगा जिसपे आप WDV पे आप जिसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ साथ देखेंगे, देखेंगे डियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड। क्या क्या, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर, तो आपने करंट रिपेयर के नाम का जो भी पैसा दिया आप उसको क्लेम कर सकते हो, और दूसरा द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन दे रहा हो। तो इसका मतलब रिपेयर में सिर्फ और सिर्फ करंट रिपेयर, और दूसरा इंश्योरेंस जो आप पे करते हो, आप इन दोनों को क्लेम कर सकते हो, ठीक बात है। और रिपेयर में कैपिटल नेचर का रिपेयर नहीं हो सकता। अब मैं एक दो छोटी छोटी बातें यहां पे और करना चाहूंगा। अच्छा, तो सेक्शन 30 में हमने आपके साथ देखा बिल्डिंग के बारे में, और सेक्शन 31 में हमने आपके साथ देखा मशीनरी प्लांट और फर्नीचर के बारे में। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, अगर लेट से बिल्डिंग या मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर हम जो है अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, हाँ अगर लेट्स से कि मैं मशीनरी को प्लांट या फर्नीचर को पार्टली अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूं और पार्टली अदर पर्पस के लिए यूज करता हूं, तो क्या होगा, तो आपको जो भी डिडक्शन अलाउड होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ओनली टू डेट एक्सटेंट जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो सेक्शन 38 के हिसाब से। और असेसिंग ऑफिसर इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि कितना प्रपोर्शन आपने बिजनेस के लिए यूज किया और कितना प्रपोर्शन आपने अदर देन बिजनेस के लिए यूज किया। तो लेट्स से कि सेक्शन 30 बिल्डिंग के लिए जो मेरा जो सेक्शन 30 में जो कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर आता है वो 5 लाख रुपए आता है, और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आता है लेट्स से 10 लाख रुपए। सो कुल मिला के कितना हुआ, 15 लाख रुपए। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है कि आप इस बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ 80% बिजनेस के लिए यूज करते हो, इसका मतलब सिर्फ 4 लाख रुपए का खर्चा आपको अलाउड होगा। और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का आप सिर्फ और सिर्फ 50% बिजनेस के लिए यूज करते हो, 50% नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करते हो, सिर्फ आपको 5 लाख रुपए अलाउड होगा। एक बात है सेक्शन 38 के हिसाब से, तो मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे। देखेंगे, एज पर सेक्शन 38 वेयर एनी मशीन प्लांट ऑफ फर्नीचर इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कि आप उससे ना बाकी काम भी कर लेते हो, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 31 शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ फेयर प्रपोर्शन पार्ट देयर ऑफ विच
a fair proportionate part thereof which the assessing officer may determine having regard to the users of such machinery plant. तो साहब अगर आप अगर assessing officer को ये पता चल गया कि आप जो मशीन है वो आप अपने business के लिए exclusively use नहीं करते, plant furniture आप exclusively अपने business के लिए use नहीं करते, तो assessing officer fair proportionate part को determine करेगा और वो identify करेगा कि कितना proportion आपने business के लिए use किया, और जितना proportion business के लिए use किया उतने proportion का आप section 31 में deduction claim कर लो, और जितना proportion business के लिए use नहीं किया वो lapse हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द सेम थिंग गोज विद योर बिल्डिंग पार्ट ऑल्सो, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, premises used partly for business and partly for other purposes, where the premises are used partly for business and partly for other purposes, only a fair proportionate amount attributable to that part of the premises used for the business will be allowed as a deduction. अच्छा, डिफरेंट सर, मशीन के केस में या किसी भी फिक्स एसेट के केस में ना, हमारे पास एक ICDS है जिसका नाम है ICDS 5, जो कहलाता है टेंजिबल फिक्स एसेट। अच्छा, हमने सेक्शन 31 में देखा कि अगर आप कोई रिपेयर वगैरह का खर्चा करते हैं, अगर आप कोई रिपेयर वगैरह का खर्चा करते हैं तो उस केस में, अगर आप कोई रिपेयर वगैरह के अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट रिपेयर का खर्चा अलाउड है, ओनली करंट रिपेयर कॉस्ट इज अलाउड यू एज अ डिडक्शन, ठीक बात है। अच्छा, लेट्स से कि सर अगर मैंने कोई कैपिटल नेचर का रिपेयर कर दिया तो क्या होगा, तो ICDS 5 कहता है कि अगर आप कोई कैपिटल नेचर का रिपेयर करेंगे तो आपको उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन, या इसका मतलब WDV ऑफ द ब्लॉक में आप उस कॉस्ट को लेकर जाएं और आप रिवाइज्ड अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से क्लेम नहीं कर सकते, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अब एक सवाल बनता है कि सर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और कैपिटल नेचर का एक्सपेंस क्या क्या होता है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर विच डज नॉट ब्रिंग इन एनी न्यू एसेट इन टू एक्जिस्टेंस, मतलब अगर आप रिपेयर में कोई ऐसा रिपेयर करते हैं, अगर आप रिपेयर का कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिसकी वजह से कोई नया एसेट एक्जिस्टेंस में नहीं आता, कोई नया एसेट एक्जिस्टेंस में नहीं आता, मतलब कि मैंने दो फ्लोर की मेरी बिल्डिंग थी, मैंने कोई तीसरा फ्लोर बनवा दिया तो क्या हुआ, एक नया फ्लोर एक्जिस्टेंस में आ गया। अच्छा, एक ही फ्लोर की बिल्डिंग थी जिसमें 3 कमरे थे, मैंने 2 कमरे और बनवा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो नए एसेट एग्जिस्टेंस में आ गए, तो इसका मतलब वो रिपेयर कैसा है, वो रेवेन्यू नेचर का रिपेयर नहीं है साहब, क्यों, क्योंकि एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। दूसरा, और डज नॉट सब्सटेंशियली एनहांसेस द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन बट प्रिजर्व्स द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी और मेंटेन्स इट एट द सेम लेवल, ठीक बात है। उसका मतलब लेट्स से कि जो मेरे पास जो मशीन है वो हर एक घंटे का 10,000, अच्छा ज्यादा हो गया, वो हर एक घंटे का 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, मैंने ऐसा रिपेयर करवा दिया कि वो एक घंटे में 100 के बदले 1000 यूनिट उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो मुझे बताएं क्या इस रिपेयर की वजह से मशीन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रिजर्व हुई या सब्सटेंशियली एनहांस हो गई। सर सब्सटेंशियली एनहांस हो गई, मशीन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी थी, 100 यूनिट पर घंटे, आपने कुछ ऐसा रिपेयर उसमें करवा दिया कि वो 100 से बढ़कर 1000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपेयर क्या है, बेसिकली रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक बात है। हाँ, अगर लेट्स से मशीन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 100 यूनिट है, आपने 500,000 रुपए खर्च किया ताकि वो मशीन बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इंटरप्शन के 100 यूनिट पर आवर प्रोड्यूस करती रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, भले आपने 500,000 खर्चा कर दिया साहब, वो मायने नहीं रखता, वो उस एक्सपेंस का पर्पस क्या था कि उस मशीन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर आवर वो मेंटेन रहे, मींस प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी और मेंटेन्स एट द सेम लेवल, तो वो 500,000 जो होगा दैट वुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ देखेंगे, एज पर ICDS 5 ओनली एन एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसेट, आगे के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली असेस स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस हैज टू बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट दैट इज कैपिटलाइज्ड। तो इसका मतलब लेट्स से कि कोई मशीन है जिसमें जिसपे आपने 1,000,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया रिपेयर के नाम का, और वो मशीन 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट पर घंटे बनाने लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इस वाले एसेट में जो रिपेयर है, उस रिपेयर के बाद इस एसेट की परफॉर्मेंस उसके प्रीवियस स्टैंडर्ड या परफॉर्मेंस से ज्यादा हो गई, मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस कितना है 100 यूनिट, रिपेयर के बाद 100 बढ़ के 200 यूनिट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो 10,00,000 रुपीज आपने इनकर किया दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो इसका मतलब उस मशीन की WDV बढ़ जाएगी, आप इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई, तो चलिए एक दो छोटी छोटी बातें और देखते हैं, फिर हम मूव करते हैं डेप्रिसिएशन में, जो कि आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छा, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, पीजीपीपी और हाउस प्रॉपर्टी, ये बात हमने आपके साथ पहली क्लास में भी की थी, बट आज इस चीज को हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। डियर, लेट्स से असेसी है, असेसी के पास क्या है, फैक्ट्री हो सकती है, गोडाउन हो सकता है, वेयर हाउस हो सकते हैं, ऑफिसेस हो सकते हैं, और असेसी का बिजनेस है इनको किराए पे देना, इसको लेट आउट करना, इसको लीज पे देना और वहां से रेंटल इनकम कमाना। ठीक बात है। अब सवाल बनता है कि ये जो रेंटल इनकम है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या पीजीबीपी हेड में जाएगा। असेसी का कहना है ये पीजीबीपी हेड में जाएगा, बट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। डिपार्टमेंट कहता है कि है तो ये रेंटल नेचर का इनकम, और रेंटल नेचर की इनकम के लिए हाउस प्रॉपर्टी एक एक्सक्लूसिव हेड है। असेसी कहता है कि भले ये रेंटल नेचर का इनकम है, हम मानते हैं कि ये रेंटल नेचर का, ये रेंटल नेचर का इनकम है, पर ये रेंटल है किस लिए, हमारी बिजनेस के लिए, हमारा बिजनेस ही है प्रॉपर्टीज को रेंट पे देना, तो वो बिजनेस ही तो है हमारा जिसपे हम, मतलब जिसपे हम रेंट में देते हैं एसेट्स को, इसलिए वो हमें पीजीबीपी हेड में अलाउड होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ गए डियर, और फाइनली जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में एक फाइनल क्रक्स दे दिया, जिसके बेसिस पे अभी आप देखेंगे कि ये पीजीपी हेड में जाएगा या हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स को जो कहा उसका क्रक्स कुछ ऐसा है, इफ लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज द मेन और सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द असेसी, अगर प्रॉपर्टीज को लेट आउट करना, सर प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, गोडाउन हो सकती है, वेयर हाउसेस हो सकते हैं, ऑफिसेस हो सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रमाइसेस हो सकते हैं, अगर उसको लेट आउट करना आपका मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस है, पहली बात तो मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस है, और दूसरा उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। सर ये स्टैब्लिश कैसे होगा, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाओ, वहां पे ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ लो, कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स के जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती है कंपनी की, उस बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ के देख लो कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, जो अग्रीमेंट्स होते हैं लीज अग्रीमेंट्स होते हैं उसको उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इन चीजों से अगर आप स्टैब्लिश कर सकते हो कि लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज द मेन और सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द एसोसी, तो उस केस में जो रेंटल इनकम होगा वो आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा। साहब कहाँ जाएगा, पीजीबीपी हेड मतलब बिजनेस इनकम। बट अगर लेट्स से लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्सटेंशियल और मेन बिजनेस ऑफ द एसोसी, मतलब ये हमारा मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस नहीं है, ये तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, हमने उसको कैजुअली रेंट पे दे दिया, तो वो हमारे हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला जाएगा, मींस दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ द एसोसी। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहले चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 2015 सुप्रीम सीआईटी, अभी ये हाल के रिसेंट एग्जाम में ही आया था। अच्छा, दूसरा है रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, राज डी एन एसोसिएट्स लिमिटेड। तो देखेंगे यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इफ लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज द मेन और सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द एसोसी, द रेंटल इनकम वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इफ इट इज नॉट द मेन और सब्सटेंशियल बिजनेस इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है साहब। अच्छा, तो फिर ये तो खैर चले बात हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन। अच्छा, सेक्शन 32 आपका डील करता है डेप्रिसिएशन से, और डेप्रिसिएशन में एंटर करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और एजीपी की बात करते हैं तो उनके लिए सेक्शन 115 बीएसी डिफॉल्ट रिजीम है, अगर वो डिफॉल्ट रिजीम में रहते हैं और चाहे तो वो उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 115 बीएबी, अगर हम कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो 115 बीएडी और 115 बीएई, ये एटीआर है। अच्छा, इन तीनों केसेस में डेप्रिसिएशन हेड में, डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 32(1)(2)(a) अलाउड नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। साथ में अगर किसी डेप्रिसिएशन का रेट 40% से ज्यादा है तो मैक्सिमम 40% पे फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि दो चेंजेस आएंगे, क्या क्या दो चेंजेस हैं, पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) अलाउड नहीं है, और दूसरा क्या होगा कि अगर कहीं पे अगर डेप्रिसिएशन का जो स्पेसिफाइड रेट है या अलाउड रेट है वो 40% से ज्यादा है, डेट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ इसको करके फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे डेप्रिसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर फॉर द। अच्छा, तो आते हैं डियर डेप्रिसिएशन में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, ऑल्दो ये बात आपको सीए इंटर में आपने पढ़ी हुई है, बट चलिए ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाएंगे। अच्छा,
डेप्रिसिएशन, अब मेरे साथ साथ देखेंगे, डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिडक्शन अलाउड टू द एसोसिएट। डेप्रिसिएशन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिडक्शन अलाउड टू द एसोसिएट। अगर डेप्रिसिएशन आज बंद हो जाए तो ज्यादातर देश के बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, वो वाइबल ही नहीं बचेंगे। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द एसोसिएट इवन इफ इट डज नॉट वॉन्ट टू क्लेम इट। बताएं साहब, अगर एसोसिएट डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं भी करना चाहता, या अगर एसोसिएट के प्रॉफिट्स जो हैं वो डेप्रिसिएशन के क्लेम को जस्टिफाई नहीं भी करते, तो भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है, मेरे पास लॉसेस हैं, तो मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ करा कि क्या करोगे? मान लीजिए कि मेरा बिजनेस लॉस है 10 लाख रुपए, विदाउट मेरा बिजनेस लॉस है रुपीज 10 लाख बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10 लाख रुपए, और मतलब सर 10-10। अच्छा फिर से, मेरा बिजनेस लॉस है बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए, मेरे उस प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 15 लाख रुपए। अब मुझे बताएं, तो मुझे सोच के बताएं, तो फिर ये बात, फिर इस बात का क्या मतलब है कि डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू द एसोसिएट इवन इफ इट डज नॉट वांट टू क्लेम इट? आपको फिर भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। अगर आपका बिजनेस लॉस 10 लाख रुपए का है भी तो क्या हुआ, आपको फिर भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। अगर भले आप इस प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन 15 लाख रुपए का सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो अगले ईयर्स के लिए अनलिमिटेड पीरियड तक सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और कभी ना कभी तो आप प्रॉफिट में जाओगे ना, तो जब प्रॉफिट में जाओगे तब इस 15 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। आर यू गाइस गेटिंग? तो असेसिंग ऑफिसर भी असेसी को इस वजह से मना नहीं कर सकता कि यार असेसी तेरा तो 10 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के चक्कर में क्यों फंसा हुआ है? पहले असेसिंग ऑफिसर ऐसा कह दिया करते थे, तो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा करने से रोकने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट आई, और एक्ट ने क्या कहा, चलिए जो अमेंडमेंट आई मैं आपको ये बता देता हूं, देखेंगे। Provisions of section 32(1) मतलब depreciation shall allow whether or not assessee has claimed the deduction for depreciation in computing his total income. तो depreciation का claim assessee को मिलेगा, assessee भी चाह के मना नहीं कर सकता और department भी चाह के उसे deny नहीं कर सकता। ठीक बात है साहब। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे dear friends, इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल असेट की जो कॉस्ट होती है वो यूजुअली वन गो में अलाउड नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस में क्या है, साइंटिफिक रिसर्च अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो आप क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 35(ED) में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर वन गो में क्लेम कर सकते हैं, बट नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर वन गो में अलाउड नहीं होता, और उसके बदले एसएससी को डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। इंस्टेड इट अलाउज एसएससी टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, और डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम करेंगे वो आप कंपनीज एक्ट के शेड्यूल के हिसाब से क्लेम नहीं करेंगे, आपको इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के हिसाब से क्लेम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि एसएससी के पास डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एसएससी इंडिविजुअल एसेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता था, इंडिविजुअल एसेट, बट अब जो है दो मेजर चेंजेस आए, अब इन द सेंस कि ये चेंजेस 1980s में ही आ गए थे बेसिकली, कि आप जो भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे आप ब्लॉक ऑफ असेट के बेसिस पे क्लेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक ऑफ असेट, और डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना पड़ेगा नॉट ऑन द इंडिविजुअल एसेट वैल्यू बट द WDV ऑफ सच ब्लॉक। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट के बेसिस पे क्लेम करना पड़ेगा। अब सर ये ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है इसकी बात करेंगे, और दूसरा ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट। अच्छा, पर कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो एंटिटीज पावर के जनरेशन या फिर जनरेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बिजनेस में इंगेज्ड हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो वो डेप्रिसिएशन को इंडिविजुअल एसेट में क्लेम कर लें, मींस इंडिविजुअल एसेट बेसिस प्लस SLM मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, पर बाकी एंटिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको डेप्रिसिएशन मिलेगा, और कैसे मिलेगा, ब्लॉक ऑफ असेट एंड उस ब्लॉक ऑफ असेट के रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ना कि उसके स्ट्रेट लाइन मेथड वैल्यू पे। ठीक बात है। अच्छा आगे आते हैं, तो मैंने क्या देखा डियर कि अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ब्लॉक ऑफ असेट बेसिस पे, और उस ब्लॉक ऑफ असेट के रिटर्न डाउन वैल्यू पे। सर ये ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है इसकी बात करेंगे। अच्छा, एसेट हमारे दो तरीके के हो सकते हैं डियर, एक हो सकता है टेंजिबल असेट और दूसरा हो सकता है इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, और डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए दो असेंशियल कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप जिस भी एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, आपको वो एसेट ओन करना पड़ेगा, एसेसी शैल ओन द एसेट। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, कि आपको वो एसेट ओन करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको उस एसेट को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करना पड़ेगा।
असेसी शैल यूज दैट एसेट इन हिट्स बिजनेस और प्रोफेशन। अब जहां तक ओनरशिप का सवाल है तो नॉर्मली ओनरशिप कैसे एस्टेब्लिश होती है अगर आप उसके रजिस्टर्ड या लीगल ओनर हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पॉपुलर जजमेंट था इन द केस ऑफ दी पोदार सीमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए जो एसेट है उसका असेसी रजिस्टर्ड या लीगल ओनर ना भी हो तो भी चलेगा, अगर असेसी उसका बेनिफिशियल ओनर है तो भी उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब असेसी को डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एसेट का ओनर होना पड़ेगा और ये ओनरशिप लीगल या रजिस्टर्ड ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन बेनिफिशियल ओनरशिप इज सफिशियंट एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पोदार सीमेंट। आई यू गाइस गेटिंग? अच्छा, दूसरी बात, अगर लेट्स से सर मैं एसेट को पार्शली ओन करता हूं तो जितना प्रपोर्शन आप ओन करते हो आपको उतना डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जितना प्रपोर्शन आप ओन नहीं करते जो और कोई और पर्सन ओन करता है उसको वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए दो असेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि असेसी शैल ओन द एसेट और दूसरी कंडीशन क्या है कि असेसी शैल यूज द एसेट इन द बिजनेस प्रोफेशन। जहां तक ओनरशिप का सवाल है, ओनरशिप आपकी जो है वो लीगल या रजिस्टर्ड ओनरशिप हो दैट इज नॉट असेंशियल, इवन द बेनिफिशियल ओनरशिप इज सफिशियंट। तो सो अगर आप इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि वो जो एसेट है वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं देन इट इज ओके, देन आप जो है वो मान लिया जाएगा कि आपने ये कंडीशन पूरी कर दी। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, असेसी शैल यूज द एसेट इन द इन इट्स बिजनेस या प्रोफेशन। मतलब असेसी उस एसेट को अपने बिजनेस या प्रोफेशन पर्पसेस के लिए यूज करेगा, मतलब जो एसेट जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं उस एसेट को आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पसेस के लिए यूज करना है। अब साहब ये जो यूजर्स होता है वो एक्टिव यूजर्स भी हो सकता है और पैसिव यूजर्स भी हो सकता है। तो लेट्स से एक सीए फर्म है जिन्होंने दो प्रिंटर्स परचेज कर लिए, एक तो एक्टिवली इंगेज कर दिया और दूसरा प्रिंटर जो है वो स्टैंड बाय के फॉर्म में रख दिया कि जब ये प्रिंटर हमारा खराब हो जाएगा या काम नहीं करेगा तब हम उसको यूज करेंगे। तो सवाल बनता है कि दो प्रिंटर्स हैं, एक प्रिंटर तो एक्टिव यूज में है दूसरा स्टैंड बाय है, तो क्या आप उस स्टैंड बाय प्रिंटर पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट हैं जिनमें जहां पे ये कहा गया है कि आप स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स में भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप उसको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पसेस के लिए आपने उसको यूज करना है तो आप उस पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा चलो, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, जल्दी से आएंगे अपने बुक में। समरी ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अदर देन पावर यूनिट्स। पावर यूनिट्स के पास ऑप्शन है कि वो WDV पे क्लेम करें या स्टेट लाइन मेथड पे क्लेम करें इंडिविजुअल एसेट के बेसिस पे। अच्छा, आपको जनरली दो प्रकार के डेप्रिसिएशन अलाउड होते हैं, बहुत ध्यान से, आपको जनरली दो प्रकार के डेप्रिसिएशन अलाउड होते हैं। एक होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2) और दूसरा होता है साहब एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2). हाँ, अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं या अगर आप कंपनी या कॉपरेटिव सोसाइटी और आपने अगर ATR ऑप्ट कर लिया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन है कि ये 40% पे कैप हो जाएगा, मतलब 40% से ऊपर नहीं जा सकता और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको डिसअलाउ होता है, ठीक है। बट हाँ, इन अदर सिचुएशंस आपको नॉर्मल प्लस एडिशनल दोनों तरीके के डेप्रिसिएशन अलाउड होते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट, ठीक बात है। अच्छा, अगर आप लेट्स से पावर अंडरटेकिंग्स हैं, मींस ऐसी एंटिटीज हैं जो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन प्लस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उस केस में आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है SLM बेसिस पे, साथ में इंडिविजुअल असेट के बेसिस पे। अच्छा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बदले आपको अलाउड होता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या अलाउड होता है आपको? टर्मिनल डेप्रिसिएशन विच कंपनसेट्स द एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट ये कब होता है? जब आप पावर एंटिटीज हैं और आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज किया हुआ है इंडिविजुअल एसेट के लिए, मतलब वो ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है। क्या पावर एंटिटीज WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है? हाँ, पावर एंटिटीज जो है वो ब्लॉक ऑफ असेट WDV के हिसाब से भी वो मतलब क्लेम कर सकती हैं अगर वो जो है वो इंडिविजुअल एसेट और स्टेट लाइन बेसिस के बेसिस पर अगर वो गवर्न नहीं होना चाहते तो सो दे कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द WDV प्लस ऑन द ब्लॉक ऑफ असेट ऑल्सो। अच्छा, इसकी बाद में करेंगे, देखेंगे। तो हमने कहा कि दो तरीके के डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होते हैं, एक होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक होता है आपका
एडिशनल डेप्रिसिएशन. अच्छा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन. अभी हम आपके साथ आधा एक घंटा जो भी बात करेंगे वो हम आपके साथ नॉर्मल एंटिटीज के लिए करेंगे, पावर एंटिटीज के लिए नहीं करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की, और साथ में हमें क्या अलाउड होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन. हाँ, अगर आप एटीआर वगैरह में, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता. डियर, आपको जो भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा नॉर्मल या फिर एडिशनल, वो आपको ब्लॉक ऑफ असेट बेसिस पे अलाउड होगा. ठीक बात है. ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है? ब्लॉक ऑफ असेट होता है एसेट ऑफ द सेम नेचर हैविंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. एसेट ऑफ द सेम नेचर हैविंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो वो आपका टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, वो आपका इनटेंजिबल एसेट भी हो सकता है. अगर हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट की, तो हमारे पास टेंजिबल एसेट में क्या क्या आ सकता है? हमारे पास आ सकता है बिल्डिंग, हमारे पास आ सकता है प्लांट, हमारे पास आ सकता है, आपको थोड़ा सा यहां से पढ़ा दूं, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर्स बिंग दी टेंजिबल एसेट. और इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ सकता है? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी वगैरह वगैरह, सारे के सारे IPs, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, वो इंटेंजिबल एसेट्स में जाएंगे. बट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. तो अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन से एसोसिएट अगर कोई मतलब गुडविल है, चाहे वो आपने परचेज किया हो गुडविल या आपने सेल्फ जनरेट किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, चाहे वो परचेज्ड हो चाहे वो अदरवाइज इन परचेज, उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. अच्छा, तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32(1)(2). इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, बिंग फर्नीचर बिंग द टेंजिबल असेट, और नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर बिंग इनटेंजिबल असेट, नॉट बिंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक बात है. अब दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन क्या है कि यू शुड ओन द एसेट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको अपने बिजनेस के लिए यूज करना है. अच्छा, owned by the SSE wholly or partly and used for the purpose of business or profession, depreciation shall be allowed on the WDV of the block of asset as per the prescribed percentage. तो इसका मतलब individual asset पर depreciation नहीं मिलेगा, block of asset बनाना पड़ेगा और prescribed percentage भी मिलेगा, जो कि rule 5 में दिया हुआ है, और WDV of the block पे मिलेगा. ठीक बात है. अच्छा, तो सिर्फ block of asset में क्या होता है? block of asset में होता है tangible asset और intangible asset. tangible asset में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? building, machinery, plant, furniture. intangible asset में भी आपके सारे के सारे intellectual properties आ सकते हैं. पर provided block of asset आप जो भी आप मतलब बनाओगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड, यहां पे सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूं टेंजिबल एसेट की, तो टेंजिबल एसेट में एक्ट ने कहा हुआ है कि साहब बिल्डिंग का ब्लॉक हो सकता है, प्लांट का ब्लॉक हो सकता है, फर्नीचर का ब्लॉक हो सकता है. अब तो सवाल बनता है कि सर क्या हर प्रकार की बिल्डिंग का सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा? जवाब है नहीं. अगर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग है तो अलग अलग ब्लॉक बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, having the same in respect of which same percentage of depreciation is provided. तो मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि let's say कि कोई factory building है, let's say कोई factory building है जिसका depreciation का rate मान लीजिए 10% है, और let's say कि कोई residential building है जिसको मैंने अपने staff के लिए, अपने workers के लिए बनवाया हुआ है, उसका let's say depreciation rate 5% है, तो क्या मैं फैक्ट्री बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोनों को एक ही डेप्रिसिएशन के ब्लॉक में लाऊंगा? नहीं सर, मैं दो अलग अलग ब्लॉक बनाऊंगा. मैं फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक अलग बनाऊंगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ब्लॉक अलग बनाऊंगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट है. लेट्स से मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक बना लिया और साथ में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ब्लॉक बना लिया, अगर मैं दूसरी फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज करता हूं तो मैं उसको किस ब्लॉक में लेकर जाऊंगा? सर आप उसको फैक्ट्री बिल्डिंग वाले ब्लॉक में लेकर जाओगे, भले ये आपका मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है. तो क्या हुआ, आप इसको रेजिडेंशियल ब्लॉक के में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग है, इस बात का कृपया ध्यान रखें. अच्छा, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मतलब बिल्डिंग के फिर कई मीन्स बिल्डिंग के फिर कई तरह के ब्लॉक बन सकते हैं. हाँ डियर, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के आपके मल्टीपल ब्लॉक्स बन सकते हैं. सेम थिंग इज विद प्लांट, प्लांट के भी मल्टीपल ब्लॉक्स बन सकते हैं. अगर हम इनटेंजिबल असेट की बात करते हैं, तो इनटेंजिबल असेट के सारे असेट का सिर्फ एक ही ब्लॉक बनता है, क्योंकि सारे के सारे इनटेंजिबल असेट पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 25% है. तो इनटेंजिबल असेट का सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा, अदर देन इनटेंजिबल असेट में मल्टीपल ब्लॉक्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे पॉसिबल डेप्रिसिएशन का ब्लॉक कौन कौन सा बन सकता है. बिल्डिंग के लिए तीन ब्लॉक बन सकते हैं, एक बन सकता है 5% डेप्रिसिएशन रेट, दूसरा बन सकता है 10% और तीसरा बन सकता है 40%.
फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स के लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा 10%, प्लांट एंड मशीनरी के लिए चार ब्लॉक बन सकते हैं 15, 30, 40, 45, शिप्स के लिए एक बनेगा 20% और इंटेंजिबल असेट्स के लिए सिर्फ एक ही बनेगा 25%। अच्छा सर एक बात बताओ, ये रेट्स कहाँ पे मेंशन्ड है रूल 5 में? इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो ये सारे के सारे रेट्स रूल 5 के हिसाब से। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर कंपनी ने ATR ऑप्ट किया हुआ है या इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP ने 115 BSE ऑप्ट किया हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी में तो फिर चार ब्लॉक्स नहीं बन सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 45% वाला ब्लॉक नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 15, 30 और 40% वाला ब्लॉक बनेगा। तो वो एसेट जिसपे 45% का डेप्रिसिएशन रूल 5 भी अलाउ करता है, वो एसेट जिसपे 45% का डेप्रिसिएशन रूल 5 भी अलाउ करता है वो एसेट भी सिर्फ और सिर्फ 40% का डेप्रिसिएशन पे जाएगा। ठीक बात है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें ना अलग अलग एसेट्स के लिए ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ सर, लेट्स से कि मैं बिल्कुल नया नया बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नई नई सीए की प्रैक्टिस ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपने जितने भी एसेट्स परचेज किए पहले तो आपके पास कोई ब्लॉक नहीं था, आपको फर्स्ट टाइम सबके ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेट्स से कि आपने कंप्यूटर परचेज किया फर्स्ट टाइम, तो आप उसको कंप्यूटर ब्लॉक या आप उसको प्लांट का 40% के ब्लॉक पे लेके जा सकते हो। लेट्स से कंप्यूटर पे 40% का डेप्रिसिएशन का रेट है। अच्छा अब आप जो भी कंप्यूटर परचेस करोगे इसी ब्लॉक पे लेकर जाओगे, आपने कोई और कंप्यूटर परचेस किया इसी ब्लॉक में लेकर जाओगे। लेट्स से सर आपने कंप्यूटर सेल कर दिया तो क्या होगा, तो जो कंप्यूटर आपने बेचा, जो कंप्यूटर आपने सेल कर दिया, उस जो भी आपको सेल वैल्यू मिली आप इस ब्लॉक के वैल्यू में से माइनस कर दोगे। तो लेट्स से कि मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया, ओपनिंग मेरी ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, निल। मैंने नया कंप्यूटर परचेज किया, लेट्स से C1 कितने का परचेज किया, 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए इस ब्लॉक में आ गया। मैंने एक और कंप्यूटर परचेज किया C2, 1,00,000 रुपए इस ब्लॉक में और आ गया। मैंने उस साल और कोई कंप्यूटर परचेज नहीं किया तो मेरे ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 2,00,000 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना है, लेट्स से 40%, ये हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे मिलेगा, 80,000 रुपए। तो मेरे ब्लॉक की अगले साल ओपनिंग वैल्यू कितनी है सर, 1,20,000। अच्छा अब लेट से मैंने ना एक नया कंप्यूटर परचेज किया C3, तो ओपनिंग वैल्यू कितनी बनी, 1,20,000। मैंने नया कंप्यूटर परचेज किया C3, 1,00,000 रुपए का। मैंने कंप्यूटर C2 को, जो ये जो C2 है, मैंने 30,000 रुपए का सेल कर दिया, तो मैंने C2 को सेल कर दिया तो 30,000 रुपए मैं यहां से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्लोजिंग में WDV कितनी बची सर, 1,90,000। और मैं इस पे 40% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दूंगा एज द केस में भी। ठीक बात है। सो दिस इज हाउ द ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट वर्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी कंप्यूटर्स परचेस करेंगे वो हम 40% प्लांट के ब्लॉक पे लेके चले जाएंगे, हम जितने भी फर्नीचर्स परचेस करेंगे वो हम सिर्फ एक सिंगल फर्नीचर के ब्लॉक पे लेके जाएंगे 10% के, हम जितनी भी फैक्ट्री बिल्डिंग्स परचेस करेंगे वो हम सिर्फ एक ही फैक्ट्री बिल्डिंग के प्लांट पे के ब्लॉक में लेकर जाएंगे। मीन्स आप अलग अलग मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो भी आपके पास एसेट आप परचेज कर रहे हैं अगर उसका रेलेवेंट ब्लॉक है तो उसको उस रेलेवेंट ब्लॉक में लेकर जाओ, अगर रेलेवेंट ब्लॉक नहीं है तो नया ब्लॉक क्रिएट कर दो। ठीक बात है। अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे जल्दी से, तो असेंशियल कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन, हमने आपके साथ बात की कि दो असेंशियल कंडीशंस होती हैं डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के। पहला होता है कि एसएससी शैल ओन दी एसेट। अच्छा ओनरशिप जो है साहब ये आपकी लीगल या रजिस्टर्ड ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पोदार सीमेंट के केस में कहा था कि अगर आप इसके बेनिफिशियल ओनर भी हैं तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा तो मैं आपको थोड़ा सा केस पढ़ा देता हूँ, देखेंगे मेरे साथ साथ। CIT वर्सेस पोदार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997 सुप्रीम कोर्ट, और इसी केस के रेफरेंस से अभी एक रिसेंट केस है 2010 का मद्रास हाई कोर्ट का, CIT वर्सेस श्रीमती ए शिवाकामी 2010 मद्रास हाई कोर्ट। तो मेरे साथ साथ देखेंगे इस केस में क्या हुआ कि एसएससी के पास ना कुछ मतलब बसेस थे, तो एसएससी ने कुछ बसेस वगैरह परचेज किए जो कि एसएससी के नाम पे फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं है, बट एसएससी इन बसेस को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो एसएससी इन बसेस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था, असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया और कहा कि चूंकि आप तो इन बसेस के रजिस्टर्ड ओनर हो ही नहीं, मीन्स यू आर नॉट दी ओनर ऑफ द बसेस, हाउ कैन यू क्लेम द डेप्रिसिएशन। तो ये मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट चला गया। कोर्ट ने कहा कि यार देखो एक बात बताओ, बसेस जो है वो फिलहाल एसएससी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हम मानते हैं, बट एसएससी उन बसेस को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और एसएससी इस बात को स्टैब्लिश कर पा रहा है कि एसएससी उन बसेस
का ओनर है, मींस असोसी उनको अपने पर्पस, अपने बिजनेस के पर्पसेस के लिए यूज कर पा रहा है, मींस असोसी इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बसेस। तो चूंकि असोसी इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वो बेनिफिशियली इस बस का ओनर का को ओन कर रहा है, इसलिए असोसी इज एंटाइटेड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने कहा साहब डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा जो एसेट को ओन करता है। अच्छा, अब मेरी बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक केस कंसिडर करते हैं, लेट्स से लीज का, एक केस कंसिडर करते हैं लेट्स से लीज का, अच्छा इन केस ऑफ लीज ऑफ एसेट। लीज में क्या होता है कि एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। तो लेट्स से मिस्टर ए इज द लेसर, लेसर जो लीज पे देता है, मिस्टर बी इज अ लेसर। ठीक बात है। तो लेट्स से ये व्हीकल है या ये एसेट है जिसको मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लीज पे दिया। ठीक बात है। अच्छा, तो जब मिस्टर ए मिस्टर बी को व्हीकल लीज पे देंगे, लीज पे देंगे, तो उस व्हीकल के ओनर कौन है, मिस्टर ए ही है। ठीक बात है। मिस्टर बी उसका क्या है, लेसी है, मीन्स मिस्टर बी ओनर तो नहीं है, बट क्या मिस्टर बी इस एसेट का बेनिफिशियल ओनर बन सकता है? हाँ सर, क्योंकि मिस्टर बी एस्टैब्लिश कर सकता है कि इस एसेट को मैं अपने बिजनेसेस में यूज कर रहा हूं, आई एम द बेनिफिशियल ओनर, और पोदार सीमेंट का जो जजमेंट आएगा उसके बाद तो मिस्टर बी के लिए इस चीज को एस्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली इजी है कि आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एसेट। ठीक बात है। अच्छा, और मिस्टर ए क्या है, इसके ओनर है बेसिकली। अच्छा, और लीज कैसी हो सकती है, डेरा आपको पता है दो तरह की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंशियल लीज। ठीक बात है। अच्छा, तो मिस्टर बी इसके ओनर नहीं है, बट मिस्टर बी कैन प्रूव दैट ही इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एसेट, और वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए बीइंग द लेसर पर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर रहा है, मिस्टर बी बीइंग द लेसी। अच्छा, अब लीज की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डियर हमारे देश में लीजिंग इंडस्ट्री अभी भी एक बहुत ही बेसिक स्टेज पे है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, तो सीओईडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था, ध्यान दीजिएगा, लीज के लिए कि इन केस ऑफ लीज इंस्टेड ऑफ द नेचर ऑफ लीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द लेसर वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑल्दो द लेसी इज द बेनिफिशियल ओनर। तो लीज के केस में डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, लेसर को, भले बेनिफिशियल ओनर कौन है, लेसी, बट डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, लेसर को। ठीक बात। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन केस ऑफ लीज द डेप्रिसिएशन वुड बी अवेलेबल टू द लेसर एंड नॉट द लेसी। हाँ, अगर लीज हायर परचेज नेचर की है तो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में आए पहले। अच्छा, पहले कुछ और बेसिक सी बातें आपके साथ करनी रहती हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हेड फॉर एनी एसएससी, और डेप्रिसिएशन के लिए ना दो असेंशियल कंडीशन है, पहली कंडीशन है ओनरशिप और दूसरी कंडीशन है यूजर्स इन द बिजनेस। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि साहब डेप्रिसिएशन के लिए दो तरीके के डेप्रिसिएशन है, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन, और दो एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ केसेस में नहीं मिलता, उसकी बात फिलहाल नहीं करते। अच्छा, अब सवाल बनता है कि सर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कितना और किस रेट पे मिलेगा। तो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो जो उसके रेट्स हैं वो रूल 5 में दिए गए। एडिशनल जो मिलता है आपको डेप्रिसिएशन, ये फिक्स है 20%, ये साहब 20% मैक्सिमम। अच्छा, 20% से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, डेट इज अ फ्लैट रेट ऑफ 20%। अच्छा, अब सवाल बनता है कि डेप्रिसिएशन हमें कितना मिलेगा, मतलब कितना इन द सेंस की लेट्स से कि अगर मैं कोई एसेट को साल के पहले दिन परचेस करके यूज करना शुरू कर देता हूं, और हो सकता है कि मैं किसी एसेट को साल के बिल्कुल आखिरी दिन परचेस करके यूज करना शुरू करूं, तो क्या मुझे दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन सेम मिलेगा? अच्छा, तो लॉ मेकर्स ने कहा, बहुत ध्यान से लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हर दिन के लिए आपका डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन करें कि एग्जैक्टली कितने डेज आपने एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, हम आपको उतना प्रपोर्शन डेप्रिसिएशन दें, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं और हम कहते हैं कि अगर आपने एसेट को पुट टू यूज जो किया, एसेट को जो आपने पुट टू यूज किया, मतलब एसेट जो आपने परचेज करके पुट टू यूज किया, अगर आप उसको अप टू 180 डेज करते हैं, अगर आप उसको अप टू 180 डेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको 100% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंट, 100% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे।
बट जो आप उसको पुट्टी यूज करते हैं वो लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज। मतलब आपने जिस प्रीवियस ईयर में एसेट को परचेज करके पुट्टी यूज किया, अगर वो लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज, तो हम आपको 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज अलाउ करेंगे ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट। लेट्स से कि मैं कोई मशीन परचेज करता हूँ अपने फैक्ट्री के लिए और मैंने एटीआर वगैरह ऑप्टेन नहीं किया हुआ और मैं 115 बीएसी से बाहर निकल गया, जिसपे नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट है 15%, जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन है 20%, ठीक बात है। अगर मैं इस मशीन को 180 डेज या इससे ज्यादा पुट्टी यूज करता हूं तो मैं पूरा का पूरा 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं। लेट्स से मशीन मैंने खरीदी है 10 लाख रुपए, तो मैं पूरा का पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं 1,50,000 रुपए, और मैं 2 लाख रुपए एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं। इस मशीन पे मैं 1.5 लाख रुपए नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं और 2 लाख रुपए मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि मैं जो पुट्टी यूज करूं मैं 180 डेज या उससे ज्यादा। बट लेट्स से अगर मैं लेट्स से पुट्टी यूज करता हूं लेस देन 180 डेज तो क्या होगा, तो जो मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो अलाउड होगा 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट, भले मतलब 15% का 50% बोलो तो 7.5%, मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 75,000 रुपए और मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 1 लाख रुपए। आर यू गाइस गेटिंग? सर ये तो नाइंसाफी हो गई सर, एक दिन की वजह से क्या आप हमें आधा डेप्रिसिएशन अलाउ करोगे? हाँ डियर, एक्ट ऐसे ही फंक्शन करता है, अदरवाइज अगर एक्ट अगर मतलब डेली बेसिस के हिसाब से करता तो प्रैक्टिकली तो कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर आपको इंस्टेंटली अमाउंट कैलकुलेट करके दे देता। बट बींग अ सीए स्टूडेंट आपकी हालत खराब हो गई होती कि साहब नंबर ऑफ डेज के लिए देखो और कितने दिन आपने एक्जैक्टली यूज किया उतना प्रपोर्शन डेप्रिसिएशन, तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन हो जाती। सो इट इज बेटर कि आपके लिए एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है, भले प्रैक्टिस के भले एसएससी के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल ना हो, बट एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपको बस ये देखना है कि एसेट को आपने कितने दिन पुट्टी यूज किया। अगर लेस देन 180 डेज है तो 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, अदरवाइज 100% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, ठीक बात है। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, लेट्स से कि हमने ना एसेट को पुट्टी यूज किया 1 जनवरी को, तो फिर हमारा जो पुट्टी यूज है वो हमारा पुट्टी यूज कितना है, करीबन करीबन 92 डेज के आसपास, तो हमें मिलेगा 50% ऑफ द अलाउड परसेंटेज। मैंने कहा हाँ, तो जो बैलेंस जो 50% है इसका क्या होगा, ये क्या अगले साल मिल जाएगा? नहीं इंडिया, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तो वो लैप्स कर जाएगा, हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अगले साल मिल जाएगा। तो जो आपका 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन था, जो कि आपको 10% ही अलाउड हुआ बिकॉज ऑफ द पुट्टी यूज, आप इस बैलेंस 10% को आप अगले साल क्लेम कर सकते हो, ठीक बात है, बैलेंस 10% को आप अगले साल क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है, सर क्या लेट्स से कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने लेट्स से 1/4/2022 को मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, 1/4/2022 को मैंने मशीन खरीदी 10 लाख रुपीज की, बट मैंने इसको पुट्टी यूज किया, किसी कारण से मैं इसको पुट्टी यूज नहीं कर सका 1 जनवरी 2023 को। अच्छा, चूंकि पुट्टी यूज लेस देन 180 डेज है तो मुझे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 50% मिलेगा, साथ में एडिशनल भी मुझे 50% मिलेगा, ठीक बात। अच्छा, अब लेट्स से प्रीवियस ईयर 23-24 में जो मेरा 50% ऑफ दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन था वो तो लैप्स कर गया, पर एडिशनल मेरा कैरी फॉरवर्ड होके मुझे मिल जाएगा। बट लेट्स से प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं 115 बीएसी रिजिम में रहता हूँ, 115 बीएसी रिजिम में रहता हूँ, इसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी, तो सर वहां तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको डिसलाउ हो जाता है, तो क्या होगा? डियर, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको डिसलाउ तो हो जाएगा, बट जो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का अनअलाउड पोर्शन था उसकी वजह से आपकी जो WDV है एज ऑन 1/4/2023 वो उतने से बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जो मशीन थी ये 10 लाख रुपीज की थी, तो 10 लाख रुपीज की मशीन में मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम किया 75,000 रुपए और एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया 1 लाख रुपए, तो इसने इसकी WDV कितनी थी, इसकी WDV थी साहब 8/25। अच्छा, अगले साल मुझे 1 लाख रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होना था, बट इसलिए अलाउड नहीं हो सका क्योंकि मैंने 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया। मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना अनअलाउड रह गया सर? 10 लाख का 10% बोलो तो 1 लाख रुपए। अच्छा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए 115 बीएसई कहता है कि आप जो है 8,25,000 में 1 लाख रुपए जोड़ दो, तो आपकी जो WDV होगी ऑन 1/4/23 वो पढ़ के कितनी हो जाएगी, 9/25
और आप अकॉर्डिंगली इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक बात, ये बात हमने आपके साथ पहले भी की। चलो, हमने आपके साथ मेनली सारी बातें देख ली। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें डियर, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पता है 20% के लिए मिलता है, और एडिशनल क्यों मिलता है? टू एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इन केस ऑफ एनी न्यू प्लांट और मशीनरी अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, विच हैज बीन अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द असेसी। और कौन सा असेसी? एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, मतलब अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आप एक सर्विस कंसर्न है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप एक CA फर्म है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो किन लोगों को मिलेगा? एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बट सर एक बात बताओ, पावर की अंडरटेकिंग्स जो हैं, पावर एंटिटीज जो हैं, वो अगर इंडिविजुअल एसेट और SLM ऑप्ट कर लेती हैं तो उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर उससे वो ऑप्ट, अगर वो उसे ऑप्ट नहीं करती और वो अगर अपने आप को WDV वाले ही मेथड से गवर्न करती है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अ फर्दर सम इक्वल टू 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी और प्लांट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो साहब 20% आपको एडिशनल मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, देखेंगे किस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी मशीनरी और प्लांट, कोई भी ऐसी मशीन और प्लांट जो आपके इंस्टॉल करने से पहले कोई और पर्सन इंस्टॉल कर रहा था, मतलब सेकेंड हैंड मशीनरी और प्लांट, चाहे कोई पर्सन उसको भारत में इंस्टॉल यूज करो या भारत के बाहर, अगर वो सेकेंड हैंड है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई मशीन या प्लांट जिसको आपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल कर दिया, नहीं साहब, आपको मशीन या प्लांट अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे ही या अपने वर्क प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल करना है। अच्छा, अगर कोई ऑफिस अप्लायंस है या कोई रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ध्यान दीजिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और चौथा, कोई ऐसा मशीन या प्लांट जिसकी 100% कॉस्ट ही आपको एज अ डिडक्शन अलाउड हो गई, उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर क्या कहना चाहते हो? लेट्स से कि आपने कोई मशीन या प्लांट परचेज किया जिसपे आपको 100% डिडक्शन सेक्शन 35(1)(4) साइंटिफिक रिसर्च में अलाउड हो गया, तो सर जी जब 100% डिडक्शन अलाउड हो गया तो फिर 20% एक्स्ट्रा और कहां से ले लोगे? ठीक बात है। अच्छा, मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, अगर लेट्स से कि अगर आपने जो एसेट परचेज किया, अगर उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो उसका बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन 50% आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल क्लेम कर सकते हो। ठीक बात है। अच्छा, कुछ एंटिटीज जो कि प्रिंटिंग के बिजनेस में इंगेज है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, वो एंटिटीज जो कि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में इंगेज है, उन्होंने CBDT को कहा कि आपने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो आपने मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग को दिया हुआ है। CBDT ने कहा, हाँ, हम प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का बिजनेस करते हैं, हमें भी ये माना जाए कि हम मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग है। तो CBDT ने सर्कुलर से कहा कि ठीक है, अगर आप इंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग और प्रिंटिंग, तो हम ये मान लेंगे कि आप मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, देयरफॉर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा सर, अगर आप प्रिंटिंग या पब्लिशिंग के बिजनेस में इंगेज हैं, मतलब अगर आप प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में इंगेज हैं तो भी आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई भी सारी की सारी बातें हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझानी रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते ऑन एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते ऑन एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सवाल बनता है सर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होता है? या इससे बड़ा सवाल बनता है कि सर, लेट्स से कि हमारे पास ना कोई फोर्क लिफ्ट ट्रक वगैरह है, सर ये फोर्क लिफ्ट ट्रक क्या होता है? देखेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्क लिफ्ट ट्रक, ये जो है ना, ये अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये फोर्क लिफ्ट ट्रक है सर। या आपने ना फैक्ट्रीज में देखा होगा, इसका काम होता है कि गुड्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना। या बहुत बार ना कोई ऐसे ट्रक्स वगैरह होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रूट पे ही प्ले किए जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो फैक्ट्री के बिल्डिंग ए से लेके बिल्डिंग बी के बीच में रॉ मटेरियल को पहुंचाना या फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए जो मतलब ट्रक्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक रूट पे प्ले कर रहे होते हैं,
तो सवाल बनता है कि क्या ये भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है? अगर ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तब तो साहब इस पे फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि अगर आप कोई ऐसा व्हीकल यूज करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक या जो कि एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के विद इन ही फंक्शन कर रहा है तो वो व्हीकल नहीं माना जाता। तो ध्यान दीजिएगा, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, व्हीकल एक्सक्लूड्स अ व्हीकल ऑफ अ स्पेशल टाइप अडॉप्टेड फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस। तो अगर विद इन फैक्ट्री अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस के विद इन यूज कर रहे हैं तो उसको व्हीकल नहीं माना जाता। इसलिए जो फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं या फिर जो मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह हैं जो कि एक फैक्ट्री के विद इन ही फंक्शन कर रहे होते हैं, उनको व्हीकल नहीं माना जाएगा, उनको व्हीकल नहीं माना जाएगा। तो सर अगर वो व्हीकल नहीं है तो फिर वो क्या है? प्लांट इन मशीनरी। और प्लांट इन मशीनरी है तो इसका मतलब उनमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हेंस दे आर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे डेप्रिसिएशन के रेट्स में, आपको पता है डियर दो तरीके से आप एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट पे आपको पता है 25% का फिक्स रेट है। अच्छा, मतलब टेंजिबल एसेट में एक उसका ब्लॉक होता है बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक में अगर आप बिल्डिंग यूज करते हैं फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, जैसे कि अगर आपने स्टाफ के लिए या एम्प्लॉयज के लिए अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउसेस वगैरह बनवाए हुए हैं, उस केस में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 5% है। पर ध्यान दीजिएगा, इसमें होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस नहीं है, क्योंकि होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस चले जाएंगे 10% पे। ठीक बात है। अच्छा, अगर लेट्स से कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, कोई शोरूम्स आउटलेट्स वगैरह, तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट वगैरह या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह के लिए अगर आप कोई प्रीमाइसेस वगैरह बनवाते हैं जिससे वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए या मतलब इन चीजों के लिए, तो 40% का डेप्रिसिएशन। और लेट्स से अगर प्योरली हम कह सकते हैं कि वुडन टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कंपनी अपने स्टाफ को किसी प्रोजेक्ट साइट में भेजती है, वहां पे उनको रहना है 6 महीने के लिए, और 6 महीने रहना है और वहां पर 6 महीने का उनका काम है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं? दी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। तो साहब उस पर 40% का डेप्रिसिएशन। ये किसी जमाने में 100% होता था, बट वो घटा के 40% हो गया, तो ये 40% का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अच्छा, फर्नीचर्स फिटिंग्स पंखे बत्ती बल्ब वायर्स जो आपके हम कह सकते हैं कि मतलब प्लग्स वगैरह होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब सॉकेट्स वगैरह जो होते हैं, वो सारे के सारे उस पर 10%। ध्यान दीजिएगा, अगर एसी प्लांट है तो वो चला गया तो उस पर लग जाए तो उस पर आपको मिल जाएगा 15%। अच्छा, मोटर कार, अगर हम बात करते हैं मोटर कार की, तो अगर आप मोटर कार को यूज करते हैं अदर देन इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर मींस रेगुलर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो 15%। नॉर्मल रेट कितना है? 15%। अच्छा डियर फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लग गया था वो लग गया था 1/4/2020 से। सर वो पुराने दिन क्यों याद दिला रहे हो? उसके पीछे कारण है, कोरोना का भारत में इम्पैक्ट बाद में आया था, दुनिया में इम्पैक्ट पहले आ गया था। मतलब भारत में इम्पैक्ट उसका कोरोना का 6-8 महीने बाद आया था, दुनिया में उसका इम्पैक्ट जो है भारत में लॉकडाउन लगने के 6-8 महीने पहले से हो गया था। जब से कोरोना का दुनिया में इम्पैक्ट फैला, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री डाउन हो गई। इंडिया की इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आया, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेल को इनकरेज करने के लिए सरकार ने कहा कि अगर आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 30/3/2020 तक, और आप उसको अगर पुट्टी यूज कर देते हैं बिफोर 31/3/2020, क्योंकि साहब इसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, तो उस केस में 15% की जगह आपको 30% का डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। तो सर अब तो ये चीजें बीत गई, अब हमें क्यों बता रहे हो? डियर बताना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कोई ऐसे व्हीकल की जानकारी दी रहे जो कंपनी ने खरीदा था और जिसे कंपनी ने पुट्टी यूज किया था, हो सकता है कि 1 फरवरी 2020 को, तो उसपे डेप्रिसिएशन का रेट 15% की जगह 30% होगा। ध्यान दीजिए, और जब तक वो ब्लॉक चल रहा है वो हमेशा सेपरेट ब्लॉक की तरह से मेंटेन होगा 30% के रेट पे। ठीक बात है। तो इसका असर क्या हुआ क्या नहीं वो तो पता नहीं, बट बीइंग अ सीए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई एसेट इस पीरियड के बीच में खरीदा था तो उस पर जो डेप्रिसिएशन का रेट है साहब वो 30% होगा इंस्टेड ऑफ 15% जो कि नॉर्मल है। अच्छा, अगर आप कोई मोटर बस, मोटर लॉरीज या मोटर
या अगर आप ऐसी चीजें यूज करते हैं फॉर रनिंग देम ऑन हायर, तो उस केस में जो नॉर्मल रेट है वो तो 30% है, बट अगर आपने इस पीरियड में मतलब 23/8/2019 से लेके 31/3/2020 और पुट्टी यूज कर दिया आपने बिफोर 31/3/2020, तो वो 30 से बढ़ के 45% हो गया। बट अगर आप ATR में जाते हैं तो वो 45 कैप होकर 40 रह जाएगा, और अगर आप एक इंडिविजुअल HUF हैं जो कि 115 BAC के हिसाब से टैक्स पे कर रहा है, तो ये 45 कैप होकर 40 रह जाएगा, आपको पता है। अच्छा देखेंगे, माउल्ट्स यूज इन रबर्स एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, तो माउल्ट्स वगैरह होते हैं उस पर 30%, एरोप्लेन्स एंड एरो इंजन्स 40%। अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स 40%, सेमीकंडक्टर मतलब इंडस्ट्री में 30%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स 40%, ध्यान दीजिएगा वाटर ट्रीटमेंट से जितने भी मतलब जुड़ी हुई चीजें होती हैं उस पर 40%, तेल के कुएं 15%, प्लास्टिक मतलब कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज्ड एज रिफिल्ड 40%, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में भी 40%। इसमें आप चाहें तो आप इसे घर पे पढ़ें, एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बता देता हूं, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, और कंप्यूटर के जितने भी एक्सेसरीज होते हैं, पेरिफेरल्स होते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, UPS एक्सेट्रा, उस पर भी 40%। बट सर क्या आईपैड वगैरह पे भी 40% मिल जाएगा, या जो आपके स्मार्टफोन वगैरह होते हैं? नहीं, उनमें 15% मिलेगा, मतलब मोबाइल फोन्स आईपैड वगैरह उस पर आपको मिलेगा 15%, उस पर आप 40% क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जो बुक्स होती हैं, चाहे वो एनुअल पब्लिक मतलब वो जो एनुअल मतलब मीन्स पब्लिकेशंस की जो बुक्स होती हैं उस पर 40%, और अगर आप बुक्स यूज कर रहे हैं इन द लाइब्रेरी बिजनेस तो अगेन उस पर 40%, और बाकी जो आपका है वो आपका मतलब जनरल रेट है 15%। अच्छा जितने भी शिप्स होते हैं, चाहे वो ओशन गोइंग हो, चाहे वो स्पीड बोट्स हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज में काम कर रहे हो, उस पर 20%, और जितने भी इंटेंजिबल असेट्स होते हैं सब पे 25%। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे डियर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। तो सर अगर मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसपे लैंड की वैल्यू भी इंक्लूडेड है तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे होगा? तो आप लैंड की वैल्यू को बाइफरकेट करें और सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। अच्छा डेप्रिसिएशन मतलब हमने आपके साथ बात कर ली कंप्यूटर एक्सेसरीज और पेरिफेरल्स के लिए, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है CIT वर्सेस BSES यमुना पावर्स लिमिटेड, जिसमें मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 40% का रेट मिलेगा। अच्छा आईफोन मोबाइल फोन आईपैड वगैरह इस पे जो आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा 15% ऑफ द मतलब इस पे आप जो है इसको आप कंप्यूटर नहीं मान सकते और 40% आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको इस पे 15% का डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा डिफरेंस हमने आपके साथ एक बात की, हमने देखा कि अगर लीज का केस है मतलब लीज में क्या होता है कि लेसर ने एसेट को लीज पे दे दिया टू द लेसी। अच्छा अगर मान लीजिए लेसर ने किसी व्हीकल को लीज पे दे दिया टू द लेसी व्हीकल को, और अगर लेट्स से लेसी इस व्हीकल को हायर बिजनेस में यूज कर रहा है, तो उस केस में लेसर जो है वो 30% मतलब हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है मोटर व्हीकल वाला, तो 15% की जगह उसको 30% अलाउड होगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, If the lessor has leased the motor vehicle to the lessee who uses them to run them on hire, the lessor is eligible to claim depreciation at the rate of 30% instead of 15%. चलें, वो थ्योरी हमने आपके साथ सारी पढ़ ली है, तो जल्दी से ना एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अमित अ प्रोप्राइटर इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस furnishes the following particulars. अच्छा opening WDV of plant and machinery as on 1/4/2023, तो opening WDV आपकी आपको पता है आपके लिए relevant previous year है 23-24, तो opening WDV आपकी 1/4/2023 को आएगी 30 लाख रुपए। चलें, new plant and machinery purchase and put to use on 8/6/2023, तो नई plant and machinery आपने खरीदी 20 लाख रुपए की, तो इसका मतलब ये जो 20 लाख रुपए की plant and machinery है ये existing 30 लाख रुपए के block में ही चली जाएगी, तो कुल मिला के वो होगी 50 लाख रुपए। अच्छा आपने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15/12/2023 8 लाख रुपए, तो ये जो है ये भी एग्जिस्टिंग ब्लॉक में चली जाएगी क्योंकि आपके पास 15% प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है। अच्छा कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2/1/2024, तो इसका मतलब कंप्यूटर भी प्लांट है बट इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% है, तो इसके लिए नया ब्लॉक बनेगा 40% के रेट वाला 3 लाख रुपए। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे, compute the amount of depreciation and additional depreciation for the previous year 23-24, comment on the allowability of balance additional depreciation on plant and machinery
ऑल्सो कम्प्यूट द डब्ल्यू डी बी. अच्छा, ऑल दी एसेट्स आर परचेस्ड बाय अकाउंट पे चेक. मिस्टर अमित हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी रिजीम. तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको समझनी है. पहला ये कि ऑल दी एसेट्स वेयर परचेज बाय द वे ऑफ अकाउंट पे चेक. ये क्यों मतलब रेलिवेंट है, क्योंकि डियर सेक्शन 43(1) जो कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करता है, वो कहता है कि अगर आपने एसेट वगैरह परचेज किया ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉम ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग द स्पेसिफिक लिमिट, और अगर आपने उसको कैश वगैरह में पे कर लिया, तो उस केस में वो आपका एक्चुअल कॉस्ट में अलाउड ही नहीं होता. तो इसका मतलब लेट्स से कि अगर आपने 1,00,000 रुपए की कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की और आपने उसके बदले कैश दे दिया, तो वो 1,00,000 रुपए आपको एक्चुअल कॉस्ट में अलाउड नहीं होगा. मीन्स आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. ठीक बात है. इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑल द एसेट्स वेयर परचेज बाय द वे ऑफ अकाउंट पे चेक. और याद करें, हमने आपके साथ पहली क्लास में भी कहा था कि कैश इकोनॉमी को और ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेकर आई है जहां पे कैश के सर्कुलेशन को रोका गया है, और उसमें एक जो पेमेंट मेथड है वो अकाउंट पे चेक है. अकाउंट पे क्रॉस चेक नहीं साहब, अकाउंट पे चेक. ठीक बात है. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर अमित 115 बीएसी रीजन से ऑप्ट आउट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. दूसरी बात यह है कि आपके वो अगर 40% से ज्यादा का अगर आपका डेप्रिसिएशन बनता है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो. ठीक बात. अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो हमारे पास दो ब्लॉक हो गए, एक हमारे पास 15% वाला ब्लॉक है और एक हमारे पास कंप्यूटर का नया ब्लॉक है 40% वाला. एक एक करके बात कर लेते हैं. मुझे बताएंगे मिस्टर अमित किस चीज में एंगेज है. सर, ये शायद मैन्युफैक्चरिंग एंगेज. हाँ, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा इनको, तो इस बात का ध्यान रखेंगे. देखेंगे साहब, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो ओपनिंग डब्ल्यू डी बी है वो है 3,00,000 रुपए, और तो इन्होंने मतलब ओपनिंग डब्ल्यू डी बी तो कुछ है ही नहीं साहब, निल है ओपनिंग डब्ल्यू डी बी, निल है. अच्छा, इन्होंने परचेज किया 3,00,000 रुपए का. अच्छा, कंप्यूटर पर रेट कितना है 40%. बट अगर आप इस चीज का को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इन्होंने जो कंप्यूटर को पुट्टी यूज किया है वो उन्होंने किया है 2 जनवरी 2024 बेसिकली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट्टी यूज है वो लेस देन 180 डेज है. तो इसका मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 50% ऑफ द अलाउड परसेंटेज, बोले तो 40% का, आधा बोले तो 20%. तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 3,00,000 का 20% बोले तो 60,000 रुपए. अच्छा, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं सर, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो आपने ऑफिस प्रीमाइसेस में लगाया हुआ है, और सेक्शन 32(1)(2)(a) कहता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 4 केसेस में नहीं मिलता, और वो 4 केसेस क्या क्या है? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी 100% कॉस्ट ही आपको अलाउड हो गई, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने ऑफिस अकोमोडेशन या रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में लगा दिया, या ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे भी आपको नहीं मिलेगा, और इवन शिप्स और मतलब वेसल्स में भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. और यहाँ पे जो आपने कंप्यूटर यूज किया है, कंप्यूटर इज अ प्लांट एंड मशीनरी, बट आपने उसको यूज कहाँ कर दिया, मतलब आप उसको इंस्टॉल कहाँ कर दिया, ऑफिस प्रमाइजेस में, हेंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर. उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 60,000 रुपए का. ठीक बात है. अच्छा, अगर हम हमारी पुरानी मतलब एग्जिस्टिंग ब्लॉक की बात करें तो 30,000 रुपए तो ओपनिंग था इसका, 30,00,000 रुपए आपने जो एडिशन किया वो किया 20,00,000 रुपए और एडिशन किया 8,00,000 रुपए. अच्छा, तो 30,00,000 रुपए पे तो 15% पूरा मिल जाएगा. इस 20,00,000 को भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी पुट्टी यूज है 8/6/2023 को, मतलब मोर देन 180 डेज, तो इस पे भी 100% मतलब 15% पूरा. बट ये जो 8,00,000 रुपए है साहब, ये 15/12/2023 मतलब 15 दिसंबर 2023, तो मतलब लेस देन 180 डेज. तो इस 8,00,000 पे 15% का 50% बोलो तो 7.5%, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सर 50,00,000 पे तो 15% मतलब 7.5 लाख रुपए. अच्छा, 8,00,000 पे 7.5% तो कितना बनता है, 60,000 रुपए. अच्छा सर, यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा. अगर आप देखेंगे डियर, तो आप नई प्लांट और मशीनरी खरीद रहे हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज्ड हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस प्लांट एंड मशीनरी में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा. तो अगर आप देखेंगे जो प्लांट एंड मशीनरी आपने 8/6/2023 को इंस्टॉल करी थी, उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% के रेट पर, 20% के रेट पर, क्योंकि पुट यूज आपका 180 डेज या उससे ज्यादा है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा 4,00,000 रुपए. अच्छा,
दूसरी प्लांट एंड मशीनरी पे, इस वाले पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बट 50% ऑफ ऑल आउट परसेंटेज बिकॉज द पुट्टी यूजेस लेस देन 180 डेज, तो इसका मतलब 8 लाख का 20% का आधा बोले तो 80,000 अच्छा। सो दिस इज हाउ, तो साहब आपको कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है, 7.5 लाख, 60,000 और 4,80,000, और कंप्यूटर में आपको मिल रहा है कितना, कंप्यूटर में आपको मिल रहा है 60,000। अच्छा, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो बैलेंस आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको 10% आपको इस साल अलाउड नहीं हुआ, वो आपको अगले साल अलाउड हो जाएगा। मीन्स आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मीन्स आप इसको प्रीवियस ईयर 24-25 में क्लेम कर सकते हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है आपसे, कमेंट ऑन द अलाउबिलिटी ऑफ बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन इन असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। तो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन 80,000 रुपए का आप 25-26 में क्लेम करिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर से घर पे देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखेंगे डिफरेंस डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन अमलगमेशन और डीमर्जर, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है और साथ में एनकरेज किया गया है, जिसमें से एक है अमलगमेशन। जैसे एक कंपनी है जो कि किसी और दूसरी कंपनी से अमलगमेट हो गई, तो जो कंपनी अमलगमेट हुई उसको अमलगमेटिंग बोलेंगे, और जिससे अमलगमेट हुई उसको अमलगमेटेड कंपनी बोलेंगे। तो जैसे लेट से ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मर्ज में अमलगमेट हो गई, सो ए लिमिटेड इज द अमलगमेटिंग कंपनी, बी लिमिटेड इज द अमलगमेटेड कंपनी। इसी तरीके से डीमर्जर होता रहता है, जैसे भी आपने देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो का डीमर्जर कर दिया और जियो को एक नई कंपनी बना दी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज बेसिकली कॉल्ड द डीमर्ज्ड कंपनी और जियो को आप बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी। ठीक बात है, तो हमारे देश में अमलगमेशन होता रहता है, डीमर्जर होता रहता है, और इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होते रहते हैं, मतलब हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं, जिसको इनकम टैक्स एक्ट हमारे देश में सपोर्ट करता है। और सर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अपने आप को किसी मतलब कंपनी की तरह से रन करना शुरू कर दे, मीन्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर ले इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। इसी तरीके से कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो अपने आप को कंपनी की तरह से रीऑर्गेनाइज कर ले। अच्छा, कोई प्राइवेट कंपनी है जो कहती है यार कि मैं कंपनी बन के फंस गया, मैं तो ज्यादा बेहतर एलएलपी की तरह से काम कर सकता था, तो कोई प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड मींस पब्लिक कंपनी वो अपने आप को दोबारा से एलएलपी बनवा ले। मींस कोई प्राइवेट कंपनी या फिर यूएलपी मतलब यूएलसी वो अपने आप को क्या बना ले, एलएलपी। ठीक बात है, और इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो साहब ये जितने भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इसमें खास बात क्या होती है, इसमें एक खास बात होती है डियर। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी जिसका नाम है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी बी लिमिटेड, ए लिमिटेड अपना अच्छा खासा काम कर रही है, 1/4/2023 को जब प्रीवियस ईयर 23-24 स्टार्ट हुआ, इसके पास एसेट्स हैं, इसने कुछ नए एसेट्स भी परचेज किए होंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, लेट से 1/10/2023 को ए लिमिटेड बी लिमिटेड से अमलगमेट हो गई। अब सवाल बनता है कि जब ये अमलगमेट हो गई तो डेप्रिसिएशन कैसे कंसिडर किया जाएगा, हाउ द डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड, हाउ द डेप्रिसिएशन प्रोविजंस आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड, मींस आप डेप्रिसिएशन किसको देंगे और कितना देंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 में तो ए लिमिटेड भी कुछ समय के लिए है, मीन्स 1/10/2023 के पहले तक, मतलब 1/4/23 से लेके 30/9/23 तक ए लिमिटेड है, और 1/10/23 से लेके 31/3/2024 तक बी लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो एंटिटीज हैं कुछ कुछ समय के लिए। तो सवाल बनता है कि डेप्रिसिएशन दोनों को कैसे बांटा जाए, तो इसके लिए जो हम एक्ट में प्रोविजन है हमारे पास वो है 6th Provisor to Section 32(1)(2) जो कहता है अगर किसी भी तरीके का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, एक पार्टनरशिप हम कंपनी में कन्वर्ट हो गई, या एक प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, या सोल प्रोप्राइटरशिप हम कंपनी में कन्वर्ट हो गया वगैरह वगैरह, इन सारे सिचुएशन में आप कुल मिला के डेप्रिसिएशन जितना होगा उसका कंप्यूटेशन करें ये मानते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना। तो आप कुल मिला के डेप्रिसिएशन निकाल दें ये मानते हुए कि किसी भी तरीके का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, और जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया वो आप प्रेडिसेसर और सक्सेसर पे अपोर्शन कर दें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ध्यान से, तो अगर मैं अमलगमेशन की बात करूं तो लेट से ए लिमिटेड जो है वो 1/10/2023 से बी लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई,
तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम कुल मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे, जैसे कि अमलगमेशन हुआ ही ना हो, और जो आपका टोटल जो अमाउंट आता है डेप्रिसिएशन का ए लिमिटेड का, उसको हम ए को दे देंगे फ्रॉम 1/4/23 से लेके 31/9/2023 तक के पीरियड का नंबर ऑफ डेज, और हम बी को दे देंगे 1/10/2023 से लेके 31/3/24 तक के पीरियड का मतलब नंबर ऑफ डेज। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ये अपोर्शन कर देंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। तो सर इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ, जल्दी से मेरे साथ एक क्वेश्चन देखेंगे। ये चार्ट इररिलेवेंट है, ये चार्ट में थोड़ा सा एरर है हल्का सा, क्योंकि डियर आपको पता है जो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, ये एक लीप ईयर है, यहाँ पे फरवरी 29 दिन का है, तो प्लीज मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। S Limited has a block of asset having 15% rate of depreciation whose WDV on 31/3/2023 मतलब 1/4/2023 को जिसकी WDV है वो है 40 लाख रुपए। मतलब S Limited के पास जो block of asset है उसकी opening WDV वो है 40 लाख रुपए। अच्छा, इन्होंने एक और एसेट परचेज कर लिया, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द सेम ब्लॉक ऑन 1/11/2023 फॉर 14,40,000, और इन्होंने 1/11/23 को एक और नई मशीन खरीद ली 14,40,000। अच्छा, और इसको उन्होंने उसी दिन पुट यूज कर दिया। चले, एस लिमिटेड अमलगमेट हो गई विद बी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑन 1/1/2024। तो ध्यान दीजिएगा डियर, एस लिमिटेड अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में कब से कब तक है सर, 1/4/23 से लेके 31/12/23 तक, और अमलगमेटेड हो गए वो कब तक है, मतलब अब फिर बी लिमिटेड कब से कब तक आएगी, 1/1/24 से लेके 31/3/24 तक। क्या आप मुझे दोनों के नंबर ऑफ डेज बताएंगे? सर एस लिमिटेड जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 275 डेज के लिए, और बी लिमिटेड है जनवरी 31, ध्यान दीजिए फरवरी 29, 28 नहीं साहब 29, तो ये बन गया 91 डेज के लिए, और दोनों का टोटल कितना हो गया 366। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, एस लिमिटेड अमलगमेट हो गई विद बी लिमिटेड ऑन 1/1/2024, तो हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे ये मानते हुए कि किसी भी तरीके का अमलगमेशन वगैरह नहीं हुआ, तो साहब डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर ओपनिंग WDV वाला जो एसेट है उस पर तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, मतलब 40 लाख का 15% बोले तो 6 लाख रुपए। अच्छा, इस पे आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 40 लाख का 15% बोले तो 6 लाख रुपए। इस 6 लाख रुपए को हम अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर। प्रेडिसेसर कौन है? एस लिमिटेड, और सक्सेसर कौन है? बी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। तो प्रेडिसेसर ने नंबर ऑफ डेज कितने एसेट यूज किए हैं सर? 275, 1 अप्रैल से लेके 31/12/2023, क्योंकि 1 जनवरी 2024 तो ये अमलगमेट हो चुका है। ठीक बात है, तो इसका मतलब प्रीडिसेसर और सक्सेसर, और मतलब सक्सेसर बी ने कितने डेज एसेट यूज किए हैं सर? 91 जनवरी फरवरी और मार्च। अच्छा, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए अपोर्शन कैसे होगा? 275:91, तो एस को कितना मिलेगा जल्दी से बताएंगे? एस को मिलेगा साहब 450820, ठीक है, और बी को कितना मिलेगा? मिलेगा 149180 आई थिंक। हाँ, तो एस और बी को 450820 और 149180। अच्छा, बट सर एक और एसेट है जो कि एस लिमिटेड ने परचेज किया था, और वो एसेट कब परचेज किया था? वो एसेट इन्होंने परचेज किया था 1/11/2023 को 14,40,000 रुपए का, 14,40,000 रुपए का। तो ये एसेट का जो पुट यूज है वो लेस देन 180 डेज है, क्योंकि साहब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, तो इस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बनेगा ये मानते हुए कि अमलगमेशन नहीं हुआ सर? 14,40,000 का 7.5%, ये बनता है कितना? 1,08,000 रुपए। अब इस 1,08,000 को भी हमें अपोर्शन करना पड़ेगा बिटवीन एस एंड बी, अगेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो सर नंबर ऑफ डेज कितना है? एसेट आपने परचेज कब किया था? 1/11/2023 को, तो इस एसेट की कुल मिला के लाइफ कितनी है? 11 बोले तो नवंबर, तो नवंबर में 30 दिन, दिसंबर 31 दिन, और बाकी 152 डेज इसकी कुल मिला के लाइफ है। तो एस को कितना मिलेगा इसका? 61 डेज, हाँ नवंबर और दिसंबर, तो 61 डेज एस के पास हो गया। तो 61 डिवाइडेड बाय 152,
इंटू 1,08,000, ये कितना बनता है, ये बनता है समथिंग 43,342। अच्छा, और बी को कितना मिलेगा, 91 डेज के लिए, ये बनता है साहब, कहां चला गया, अच्छा ये बी को मिलेगा कितना, 64,658, 64,658। अच्छा, सो दिस इज हाउ द थिंग विल वर्क अगर अमलगमेशन डीमर्जर या किसी भी तरीके का बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो। चलें आगे बढ़ते हैं, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि जो आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है वो आप किसी भी एक्सटेंड तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो बिजनेस लॉस होता है डियर फ्रेंड्स वो मैक्सिमम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होता है, और जो बिजनेस लॉस होता है वो जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। चलिए फिर से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती है, एक होता है कैरी फॉरवर्ड, एक होता है सेट ऑफ, सेट ऑफ इन सेम ईयर, और दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक बात है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इन सेम ईयर, तो अगर आपका बिजनेस लॉस है तो आप अपने बिजनेस लॉस को किसी भी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं इन द सेम ईयर एक्सेप्ट सैलरी, सेक्शन 72 कहता है। इसी तरीके से अगर आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है सेम ईयर में, आप उसको किसी भी हेड ऑफ इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी इन द सेम ईयर। अच्छा, बिजनेस लॉस जो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सका उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 साल के लिए एज पर सेक्शन 72, बट वो कैरी फॉरवर्ड होके फिर किससे सेट ऑफ हो सकता है, ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। ठीक बात है। इसी तरीके से जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सका, बहुत ध्यान से, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके फिर से, वो कैरी फॉरवर्ड होके जिस ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड हुआ उसका करंट ईयर डेप्रिसिएशन बन जाता है, उसके करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाता है। बताए तो लेट से मेरा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 10,00,000 रुपए, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं इसको सेट ऑफ नहीं कर सका, मैं इसको 24-25 के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, 24-25 में मेरा 24-25 का जो डेप्रिसिएशन है वो है 20,00,000 रुपए, तो ये मेरा 24-25 का एक्चुअल करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 20,00,000 रुपए। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो 10,00,000 रुपए जो कैरी फॉरवर्ड होगा ये 20,00,000 रुपए में ही ऐड हो जाएगा और आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मान लो कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, 30,00,000 रुपए, और आप इसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। ठीक बात है। तो आप इसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। क्या ये बात समझ पाए साहब? अच्छा, तो सर ये तो फिर बहुत अच्छी बात है फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को किसी भी एक्सटेंड तक और किसी भी और हम कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, बट इसमें एक परेशानी भी है। वो परेशानी क्या, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि लेट्स से मेरे पास जो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है, एक तो है बिजनेस लॉस और एक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मेरे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या क्या है, एक है बिजनेस लॉस और एक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बिजनेस लॉस है लेट्स से 50,00,000 रुपए और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है लेट्स से 10,00,000 रुपए। अच्छा, मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक बात है। प्रीवियस ईयर 23-24 से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं टू द प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा, 24-25 में मेरे पास, 24-25 में मेरे पास जो बिजनेस प्रॉफिट है बिफोर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो बिजनेस प्रॉफिट है बिफोर करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो है लेट्स से 30,00,000 रुपए का। अच्छा, 30,00,000 रुपए का बिजनेस प्रॉफिट है। अच्छा, होगा क्या, होगा क्या, इस 30,00,000 रुपए में सबसे पहले क्या माइनस होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो कि 20,00,000 रुपए है। अच्छा चले, मैंने करंट ईयर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया और मैं इसको माइनस करके खड़ा हूं 10,00,000 रुपए का प्रॉफिट लेके। अच्छा, मेरे पास दो ब्रॉड फॉरवर्ड आइटम्स है, एक है बिजनेस लॉस और एक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बिजनेस लॉस 50,00,000 का, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 10,00,000 का। अच्छा, मैं पहले क्या चाहूंगा कि मैं इस 10,00,000 के प्रॉफिट में से किसको सेट ऑफ कर लूं, सर बिजनेस लॉस को। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉस की लाइफ सिर्फ 8 साल के लिए है, तो मैं बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड, जो मैं, जो मेरा कैरीड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था, मैं उसको इस 10,00,000 से सेट ऑफ करने जा रहा था, बट असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि सेक्शन 32(2) पढ़ो। सेक्शन 32(2) क्या कहता है
कि जो आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आपके करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाता है, मतलब 20 लाख प्लस 30 लाख। तो इसका मतलब इस 30 लाख में से आपको 30 लाख घटाना पड़ेगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन मान के। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा डियर कि मेरे पास, मुझे बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने का कभी मौका ही नहीं आएगा, या बहुत रेयर मौका आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट कमाया उससे मैं उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूं, साथ में मैं ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करूं। जबकि ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिजनेस लॉस तो 8 साल के बाद लैप्स कर जाएगा। इसलिए असेसी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन के केस में क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया कि सेट ऑफ का ऑर्डर क्या होगा। उन्होंने कहा सबसे पहले क्या सेट ऑफ करोगे तुम अपने करंट ईयर इनकम से, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कौन सा, 20 लाख रुपए का करंट ईयर डेप्रिसिएशन बोले तो 20 लाख का, सेक्शन 32(2) वाला नहीं, 20 लाख जो एक्चुअल करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। फिर उसमें से माइनस करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इसके बाद अगर कुछ बच गया तो माइनस करोगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक बात है साहब, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, जल्दी से देखेंगे मेरे साथ से। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड दैट करंट ईयर डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड फर्स्ट। मतलब चलें सिंपल सी बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा, सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस प्रॉफिट, उसमें से आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट के बाद वाले शब्द ना पढ़े। इसके बाद क्या माइनस करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को प्रायोरिटी दी गई है ओवर ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या माइनस करो अपने बिजनेस प्रॉफिट में से, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसके बाद कुछ बच गया तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद क्या माइनस करो, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो सर ये दो चीजें और क्या लिखी थी ये भी बता दो। अच्छा डियर फ्रेंड्स, हम आपके साथ देखेंगे कि जो प्रायोरिटी करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो प्रायोरिटी डेप्रिसिएशन को मिलती है वैसी ही प्रायोरिटी मिलती है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को, और वैसी ही प्रायोरिटी मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग को। तो साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग दे आर ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग एज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक बात है, तो उसके बाद में इसकी बात जो आपके साथ हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो मतलब मुद्दे वाली बात सिंपली अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखना है, करंट ईयर प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और करंट ईयर डेप्रिसिएशन अगर लेट से कोई साइंटिफिक रिसर्च आपने किया हुआ है तो करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, कोई फैमिली प्लानिंग किया हुआ है तो करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक बात है, इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, इसके बाद करंट ईयर, और मतलब इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ठीक बात है, अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा हमने ये लीज की बात कर ली, हायर परचेज की बात कर ली थी, मेरी बात बढ़िया ध्यान दीजिएगा, हमने आपके साथ ना लीज ऑफ एसेट की बात करी, हमने कहा था लीज वाले केस में क्या होता है, जो लेसर होता है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, The lessee is not entitled to claim the depreciation. ठीक बात है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक सर्कुलर है, बहुत पुराना सर्कुलर है 1943 का। अब चूंकि ICAI के स्टडी मैट में, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर ये ICAI के स्टडी मैट में नहीं होता तो मैं आपको इसको नहीं पढ़ाता। अच्छा चूंकि स्टडी मैट में, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा हमें, अगर लेट से जो लीज है वो अगर हायर परचेज के नेचर की है, इफ द लीज इज द नेचर ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट। अब सर ये हायर परचेज अग्रीमेंट कब होगा, अगर लेट से जिस एसेट को लीज पे दिया गया है, अगर वो एसेट फाइनली जिस पर्सन को लीज पे दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, मींस इवेंचुअली बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर, या हायरर मतलब जिस पर्सन ने उस एसेट को हायर या लीज पे लिया हुआ है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है। उस सिचुएशन में हम लीज अग्रीमेंट को जो ट्रीट करेंगे वो हम हायर परचेज नेचर का करेंगे। तो सर हायर परचेज नेचर का करके क्या कर लोगे, उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम नॉर्मल लीज की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो वो किसको मिलेगा, लेसर को। तो सर लेसी को क्या मिलेगा, उसको मिलेगा लीज रेंटल, जो भी वो लीज रेंटल पे करता है वो उसका 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक बात, अगर हम हायर परचेज लीज की बात करते हैं, जो कि हायर परचेज की तरह से क्वालिफाई करती है, तो जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो किसको मिलेगा, लेसी को, हायरर को। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर लीज इन द नेचर ऑफ हायर परचेज है तो डेप्रिसिएशन किसको अलाउड होगा, लेसी को। तो सर जो वो हायर चार्जेस पे कर रहा है क्या वो भी अलाउड हो जाएगा,
अगर हायर चार्जेस जो पे कर रहा है लेसी, ये हायर चार्जेस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो होगा इंटरेस्ट कंपोनेंट और दूसरा होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो मान लीजिए कि 20,000 रुपए का वो हायर चार्जेस पे करता है टू दी लेसर, तो उस 20,000 में से आप देखेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो तो अलाउड हो जाएगा एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर टू द लेसी, बट जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट के बदले हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, तो आपको हम दोबारा से थोड़ा ना हम आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट अलाउ करेंगे। अच्छा, तो डियर इसमें तो जो एक दो जो क्वेश्चंस रहते हैं आप उसको जरूर से घर पे देखेंगे। आज की क्लास ओवर करने से पहले मुझे बस 10 मिनट और दे दें, हम आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जिसका नाम है पावर यूनिट्स, मतलब पावर जनरेशन यूनिट्स के लिए जो डेप्रिसिएशन है हम उसको स्किप नहीं कर सकते हम उसको स्किप नहीं कर सकते बिकॉज वो इससे ही रिलेट करता है। तो मेरे साथ साथ जल्दी से आएंगे पावर अंडरटेकिंग्स की, हम आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस 5 मिनट मुझे और दे दें। हाँ देखेंगे डियर। अच्छा, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस फॉर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स, तो मेरे साथ साथ देखेंगे इन केस ऑफ द असेसी इंगेज्ड इन द जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आप दो तरीके के काम इंगेज हो सकते हैं, क्या क्या, आप इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं इधर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32(1)(2), जहां पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा ऑन द WDV ऑफ द एसेट, ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट, और साथ में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा बट आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो है सेक्शन आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32(1)(1). उस केस में आपको जो भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पे होगा, वो आपको इंडिविजुअल एसेट के बेसिस पे होगा, और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इसके बदले आपको मिलेगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32(1)(3), इसकी बात करते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर फ्रेंड्स, देखेंगे तो अगर लेट से कि अगर मैं कोई पावर जनरेटिंग एंटिटी हूं, अगर मैं लेट से कि कोई मैं पावर जनरेटिंग एंटिटी हूं, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से। अच्छा, लेट से मैं कोई ऐसी एंटिटी हूं जो कि पावर के जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रही है, तो मेरे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि मैं अपने आप को गवर्न करूं एज पर सेक्शन 32(1)(2), मतलब रेगुलर प्रोविजन, जहां पर मुझे जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो मुझे मिलेगा ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, और मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक बात है, जो हमने आपके साथ अभी तक देखा था वो एज इट इज यहां पे इसके लिए भी अप्लाई कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने आप को गवर्न कराऊं एज पर सेक्शन 32(1)(1), और यहां पर क्या होगा कि जो भी मुझे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो मुझे मिलेगा इंडिविजुअल एसेट के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक बात है। अच्छा, तो सर यहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट सर एक बात बताओ, हमारे देश में आज भी पावर जो है वो बहुत ज्यादा सरप्लस में नहीं है। हाँ, पिछले कुछ सालों में पावर हमारे देश में सरप्लस में गया है, नहीं तो एक समय तो बहुत ज्यादा खराब हालत थी, और ये प्रोविजंस उसी जमाने के बने हुए हैं जब पावर की हमारे देश में बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी। बड़े बड़े शहरों में ही बिजली आपको प्रॉपर नहीं मिलती थी, छोटे एरियाज की या फिर रूरल एरियाज की बात छोड़ दो। तो हमने कहा कि ठीक है साहब, अगर आप पावर जनरेटिंग बिजनेस में इंगेज्ड हैं तो हमारा पर्पस एज अ गवर्नमेंट है कि हम आपको सपोर्ट करें, एनकरेज करें, फाइनेंशियली हेल्प करें। तो हमने आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दिया कि आप चाहें तो आप इंडिविजुअल असेट के बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके, पर हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे साहब। तो सर फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दोगे तब तो फिर पावर जनरेटिंग यूनिट्स को नुकसान हो सकता है। हमने कहा ठीक है, अगर आपको नुकसान होता है, लेट्स सी कि अगर आप कोई एसेट को सेल करते हो, अगर आप कोई एसेट को सेल करते हो और जो आपका एसेट का जो सेल प्राइस है वो उसके WDV से कम है, तो जितना वो कम है मींस जितनी जो डेफिशिएंसी है, अगर आप उस डेफिशिएंसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दोगे तो उतनी डेफिशिएंसी हम आपको सेक्शन 32(1)(3) में एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। सर क्या कहना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई पावर जनरेटिंग एंटिटी है जिन्होंने सेक्शन 32(1)(1) ऑप्ट किया हुआ है, मतलब SLM और इंडिविजुअल एसेट, इन्होंने कोई एसेट परचेज किया हुआ था जिसका परचेज प्राइस था 100 लाख रुपीज। ठीक बात है। अच्छा, जो इनको डेप्रिसिएशन अलाउड है वो है एट द रेट ऑफ 10% SLM, तो ईयर वन में इनको 10 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन मिल गया, ईयर टू में इनको 10 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन मिल गया, ईयर थ्री में भी इनको 10 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन मिल गया।
चौथे साल इन्होंने उस एसेट को सेल कर दिया, चौथे साल इन्होंने उस एसेट को सेल कर दिया। जब इन्होंने एसेट को सेल किया तो एसेट की WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 70 लाख रुपए, क्योंकि साहब 30 लाख रुपए तो आपको ऑलरेडी अलाउड है। क्या मेरी बात समझ पाए? 70 लाख रुपए, क्योंकि 30 लाख तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा, तो 30 लाख रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आपने 70 लाख रुपए आपका बचा हुआ है। अब लेट से जो आपने इस एसेट को सेल किया, केस वन, आपने इस एसेट को 50 लाख रुपए का सेल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 70 लाख रुपए का कोई एसेट है, जो कि 70 लाख रुपए जिसके आपको मिलने चाहिए थे, आपने उसको 50 का सेल कर दिया, तो आपके पास डेफिशिएंसी कितनी हुई, 20 लाख रुपए। अगर आप इस डेफिशिएंसी को अपने बुक्स अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दोगे तो 20 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 32(1)(3) के हिसाब से एज द टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आपने एसेट को सेल किया, और आप 20 लाख रुपए को राइट ऑफ करते हो। तो इसका मतलब जब आप उस एसेट को सेल करोगे, डिस्कार्ड करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, मतलब अपने बिजनेस से हटा दोगे, तो जितनी भी आपकी डेफिशिएंसी बचती है वो पूरी की पूरी डेफिशिएंसी आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन के फॉर्म में क्लेम कर लो सेक्शन 32(1)(3) में, प्रोवाइडेड कि आप उस डेफिशिएंसी को अपने बुक्स अकाउंट्स में राइट ऑफ करोगे। ठीक बात है, बट सर एक बात बताओ, अगर इस 70 लाख रुपए के WDV वाले एसेट को अगर हम 80 लाख रुपए का सेल कर दें तो क्या होगा? अच्छा, आपको कितना अनअलाउड पोर्शन था, 70 लाख, आपने बेच कितने का दिया, 80 लाख, मतलब 70 की चीज को 80 में बेच दिया, तो साहब आपको कोई घाटा तो हुआ नहीं, आपको मुनाफा हो गया। ठीक बात है, मुनाफा कितने का हुआ, 10 लाख रुपए का, क्योंकि 70 का सामान आपने 80 में सेल कर दिया, तो मुनाफा कितने का हुआ, 10 लाख का। अच्छा, हमने आपको PGBP के नाम का डिडक्शन कितने का दिया था, सर आपको हमने 3 साल में हमने आपको 30 लाख रुपए दिया था, तो अगर ये मुनाफा 30 लाख तक है, मतलब उतना प्रपोर्शन का है जितना हमने आपको ऑलरेडी PGBP का डिडक्शन दिया, तो ये मुनाफा जो 10 लाख रुपए का है, ये हम आपका बैलेंसिंग चार्ज मान के PGBP में टैक्स कर देंगे सेक्शन 41(2) के हिसाब से। मतलब सर बात ही समझ नहीं है। अच्छा, दूसरा केस, हमने इस एसेट को 110 लाख रुपए का बेच दिया, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए हो गया, हमने इस एसेट को 110 लाख रुपए का बेच दिया, मुझे बताएं प्रॉफिट कितने का हुआ? सर 70 के सामान को आपने 110 का बेच दिया, प्रॉफिट 40 का हुआ। अच्छा, मतलब प्रॉफिट 40 लाख रुपए का। इस 40 लाख के प्रॉफिट को हम कैसे, इसको हम कैसे करेंगे टैक्स? अच्छा, हमने आपको PGBP हेड में सर जी इस एसेट के लिए अलाउ कितना किया था अभी तक? सर 30 लाख रुपए। तो इस 40 में से 30 लाख रुपए जो होगा वो तो आपका PGBP की इनकम बन जाएगी अंडर सेक्शन 41(2), बट ये जो 10 लाख रुपए आपका बचेगा ये PGBP को क्रॉस कर गया, क्रॉस करके कहां चला गया, कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा एज पर सेक्शन 50A। तो आई होप आपको ये बात समझ आई, बस ये दो छोटी छोटी बातें थी जो मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें। अच्छा, देखेंगे मेरे साथ साथ, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है क्या, अच्छा एक है आपका मतलब एक मिनट, अच्छा शॉर्ट नोट ऑन एडिशनल हमने आपके साथ ये भी देख लिया, बैलेंसिंग चार्ज हमने आपके साथ देख लिया, शॉर्ट टर्म के आपके। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, तो अगर आप एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि पावर के जनरेशन या फिर जनरेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज हैं, और अगर आप SLM और इंडिविजुअल एसेट को चूज करते हैं, तो आपको अगर जब जिस साल आप उस एसेट को सेल करते हैं अगर कोई डेफिशिएंसी रहती है, तो उस डेफिशिएंसी को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(3). ठीक बात है। अच्छा, अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट जिस एक्सटेंड तक आपको हमने PGBP में डिडक्शन ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, वो आपको बैलेंसिंग चार्ज के फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब उसको हम बैलेंसिंग चार्ज के फॉर्म में मतलब टैक्स कर देंगे PGBP में, और उससे जो अगर ज्यादा होगा तो वो आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 50 है। चले, तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, IP लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग यूनिट, ऑन 1/4/2021 इन्होंने एक प्लांट परचेज किया 50 लाख रुपए का, जिस पे 15% का SLM अलाउड है, मतलब इन्होंने क्या ऑप्ट किया हुआ है सेक्शन 32(1)(1), तो यहां पे इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कंप्यूट द बैलेंसिंग चार्ज और द टर्मिनल डेप्रिसिएशन इफ द प्लांट इज सोल्ड ऑन 23। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि आपको निकालना है यहाँ पे कि अगर हम प्लांट को सेल कर देते हैं तो यहाँ पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, आपने प्लांट को कब सेल किया है, 21/4/2023 को। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, प्लांट को आपने परचेज कब किया था, प्रीवियस ईयर,
21 22 को कितने का 50 लाख रुपए का आपको मिलेगा 15% डेप्रिसिएशन, मतलब प्लांट को आपने 1/4/21 को परचेज किया था, अच्छा 1/4/21 को परचेज किया था 15% डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21 22 इतना 7.5 लाख रुपए, और 15% डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22 23 7.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 1/4/23 को इस प्लांट की जो WDV थी वो थी 35 लाख रुपए, ठीक बात है। अच्छा तो 1/4/23 को आपने 21/4/23 को प्लांट बेच दिया, 1/4/23 को जो इस प्लांट की WDV थी वो थी 35 लाख रुपए, आपने इस प्लांट को 7.5 लाख रुपए का बेच दिया, मतलब 35 लाख रुपए के प्रोडक्ट को आपने 7.5 का सेल कर दिया, आपको लॉस कितने का होगा सर 27.5 लाख रुपए का। अच्छा तो ये पूरा का पूरा 27.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा सेक्शन 32(1)(3) में एस टी डी मीन्स टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडेड कि आप डेफिशिएंसी को एक्चुअली राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा सर हमने इस प्लांट को 45 लाख रुपए का सेल कर दिया, मतलब ये हुआ 35 के सामान को आपने 45 का सेल कर दिया, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हमें देखना है इस प्रॉफिट को हम पीजीपीपी बोले या हम इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोले, मुझे बताएं हमने आपको पीजीपीपी में कितना अभी तक हमने आपको डिडक्शन अलाउ किया है सर 15 लाख रुपए, 7.5 लाख करके दो बार डेप्रिसिएशन। तो चूंकि आपका ये जो प्रॉफिट है ये 10 लाख रुपए, ये आपका प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपीज, और ये 15 लाख रुपए तक के विदिन है जो कि हमने आपको पीजीपीपी में अलाउ किया था, तो ये जो 10 लाख रुपए है ये आपका बन जाएगा पीजीपीपी अंडर सेक्शन 41(2). अच्छा सर अगर हम इसको 55 लाख रुपए का सेल करते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो मुनाफा हुआ वो कितना हुआ 20 लाख रुपए। अच्छा इस 20 लाख में 15 लाख रुपए आपका चला जाएगा बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2), क्योंकि हमने आपको इतना पीजीपीपी में डिडक्शन अलाउ किया था, और 5 लाख रुपए आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 50A। तो मेरे साथ साथ देखेंगे सेक्शन 50A, थोड़ा सा देख रहे हैं मेरे साथ साथ देखेंगे डियर फ्रेंड्स 50A वेयर द कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच the depreciation under section 32(1)(1) has been obtained by the SSE in any previous year is sold in any previous year and the sales proceeds exceeds the actual cost of the asset। तो अगर आप याद करें तो हमने 55 लाख रुपए में वो एसेट बेचा था जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 50 लाख रुपए, तो हमारा 55 लाख रुपए एक्सीड करता है 50 लाख रुपए से, ठीक है। देन सच एक्सेस मतलब 55 माइनस 50 मतलब 5 लाख रुपए शैल बी टैक्स एज अ शॉर्ट टर्म कैप गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 लाख रुपए है क्योंकि हमने 50 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट था उसको हमने कितने का सेल कर दिया था 55 लाख रुपए का, तो सेल प्राइस माइनस द एक्चुअल कॉस्ट मतलब 5 लाख रुपए का जो एक्सेस है वो हमारा क्या बन गया शॉर्ट टर्म कैप गेन। अच्छा तो आई होप आपको ये बात समझ आई है, तो फिर आज हम और कुछ नहीं करेंगे, आज के लिए हम ओवर करते हैं और घर पर रिवाइज करें। सबको बाय बाय।